सिंपल सी बात है सेल्फ डिफेंस सीखना जरूरी है टू ऑल पेरेंट्स लड़के और लड़की और दोनों के लिए और लड़कों को पराठे बनाने सीखने ज़रूरी है बट द पॉइंट इज़ फिर भी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है और वो तब होगा कि जब आप एक सेफ इन्वायरमेंट खड़ा करें और उसके लिए अगेन अपब्रिंगिंग मैटर करती है आप लड़कियों को ये मत सिखाए कि उन्हें कैसे कपड़े पहनने आप लड़कों को ये सिखाए कि वो लड़की ने कैसे भी कपड़े पहने उनको किस नजरिए से देखना है हमारी कंट्री की जियोग्राफी बहुत वेरिड है आज कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर शायद मेरी खुद की शादी वादी नहीं हुई गर्लफ्रेंड होती या बेटी होती और अगर सड़कों पर शॉर्ट क्लोथ्स पहन के जा रही हो तो तो मुझे भी डर लगता है ऐसा नहीं कि मुझे उस लड़की पर भरोसा नहीं मेरी गर्लफ्रेंड पर या यू नो अगर मेरी बेटी होती तो उस पर भरोसा नहीं होगा मेरी अप्रिंग एमर पर मुझे पूरा भरोसा है अगर होती तो बट द पॉइंट इज़ अगर वो सड़कों पर किसी तरह जा रही है शॉर्ट कपड़े पहन के जा रही है पर मुझे दूसरों की नज़र पर भरोसा नहीं है मुझे उसकी सेफ्टी के लिए मैं कंजर्वेटिव नहीं हूँ तो भी डर जाऊँगा और बन जाऊंगा और कुछ इन्वायरमेंट में कुछ कंट्रीज के अंदर इतनी मॉरल अप्रिंगिंग होती है तो मैं भी कैजुअली सोचूंगा ठीक है चलो ना कोई बात नहीं इट्स कैजुअल थिंग मिस्टर दीपेन उपाध्याय यू सर आई फाइन थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम टू यू इन माय चैनल इन माय सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन पॉडकास्ट एंड आई एम हैप्पी टू इनवाइट यू एज अ गेस्ट So yeah, how are you? How, how are you feeling today? I'm feeling nice and thank you for hanging me. Yeah, So thanks for giving this opportunity. Okay, आज audience को अगर sir is a author, writer, a, speaker, a motivational speaker, a poet, and a storyteller as well. And he's a very good teacher, a English teacher, as, uh, teaches at uh, Alan Career Institute. So I'm happy to invite him as a guest. So uh, Dipen sir. Uh, yeah.

सब अपनी ओरिजिनल होती है नॉट कॉपी पेस्ट सो दैट्स वन थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट आई टीच बिकॉज इट्स माई प्रोफेशन बट माई पैशन इज़ यू नो स्पीकिंग टू पीपल इंटरेक्टिंग विद दैम एंड शेयरिंग मई आइडियाज एंड थाट्स सो आई डोंट दट अ लिटिल बट इसके अलावा या लाइक मेनी एनी एवरेज गाय आई एम जस्ट एन इंडियन हु लवस दिस कंट्री एंड दैट्स ऑल ओके सर आई वॉन्ट यू टू टेल मी फर्स्ट अबाउट योर सेल्फ लाइक वॉट्स योर बैकग्राउंड वेड डू कम फ्राम एंड How did you uh, started your career as a teacher and like uh, you were saying that you were in call centers also doing a job so in short just introduce yourself like how, how, what's your background and all that. Sir. Okay so my background is not short it's like a lot I've not been born and brought up in one place my birthplace is Bengal.

he was working in private firm but wherever he thought that he got opportunity he used to uh, migrate a lot my mom is from uh, Rajkot side Gujarat my father from Bengal so east meets west and I am in the centre ok Ab apart from that uh, at a very young age due to some responsibilities my father lost his eyesight when I was in ninth standard and he had some failed business so he had a lot of debts in order to pay his debts I started working very young and then there was a time that uh,

कोचिंग में पढ़ाओगे क्या मेरे खुद के कोचिंग क्लासेस है सो so, मैं तो पैसों के लिए भूखा था उस वक्त सो आई टुक दर्चुनिटी कॉल सेंटर के अलावा ये काम भी कर रहा था एंड uh, फिर वहाँ से पढ़ाने की जर्नी स्टार्ट हो गई एंड इट्स अ लॉन्ग वे देर वो एक्सपीरियंस फिर जब मैं अहमदाबाद में रहने आ गया तो काम आ गया सो दैट्स इट पूरा लिंक करने जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी बन जाएगी पूरी मूवी बन सकती है इसके ऊपर ओके सो लाइक इनोवरीज no सो yeah. uh, so, आज का पॉडकास्ट हम स्टार्ट करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं आज रिलेश uh, रिलेशनशिप्स हो गया या फिर डिप्रेशन uh, uh, हो गया प्रोस्टिट्यूशंस uh, हो गया सो लेट्स सी लाइक सो सर आई वॉन्ट वॉस् यू लाइक फ्रॉम योर जर्नी वॉट एम टी पॉकेट्स टॉट यू आई वॉज टू विजिट टू फिल माई पॉकेट टू थिंक अबाउट वॉट एम टी पॉकेट टॉट मी बट दैन

मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि मैं पंद्रह पंद्रह बीस बीस घंटे की नौकरी करूँगा और तीन से चार साल तक के लिए और मैं एक टाइम खाना खाता था और साइकिल में तीन चार जगह जाता था आई वॉज फिफ्टीन सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड मैं पंद्रह सोलह साल की उम्र से स्टार्ट कर चुका था तो उस वक्त मैं सांड जितना मोटा था अगर मुझे कोई अभी देख रहा है तो यकीन नहीं करेगा बट द पॉइंट इज़ तब वो सांड जैसा बच्चा तो भी दौड़ दौड़ के नौकरी कर ही रहा था ओके बिकॉज उसे अपने पिताजी का कर्जा पूरा करना था उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी थी सो so, आपका बेस्ट पोटेंशियल तभी निकल के आता है जब जिंदगी पछवाड़े पे लात मारती है ना तो इंसान दौड़ने लगता है सो वन थिंग दैट आई लर्ट इफ यू डोंट वांट टू हैव एन एम्प्टी पॉकेट एंड यू आर हैविंग वेरी रियली गुड सिचुएशन डोंट वेट फॉर द टाइम दैट लाइफ एक्चुअली किक्स यू जिंदगी आपके पछवाड़े पर लात मारे उससे पहले खुद दौड़ना शुरू कर दो वरना वो जब केक मारेगी तो बहुत दूर तक पहले उछालेगी और उसके बाद आपको भागना पड़ेगा सिंपल Okay. Uh, I hope that's fine. The term I use. <laughs> no, no, it's. <laughs> I'm very straightforward. Okay. Let me tell that one thing. <laughs> I don't really care what people's opinion about me is. So. Okay, so uh, let's dive into the, the uh, content creation and all that. Uh, I want to know from you, like, uh, what are your comments and what are your suggestions regarding a social media culture and all that, uh, like uh, temporary. Uh, I would say like uh, temporary popularity. Popularity. वॉज सस्टेनेबल पॉपुलरिटी अकॉर्डिंग टू द माइंड सेट ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशंस अभी जो ऐसा चल रहा है कि रील्स ट्रेंडिंग रील्स पे लोग वीडियोज़ बना रहे हैं और जो कॉन्टेंट क्रिएशन जो सालों से मेहनत कर रहे हैं लाइक उस पर आपके क्या व्यूज़ है अभी जो ट्रेंडिंग रील्स पे कुछ भी डांस कर रहे हैं तो भी वायरल हो जा रहे हैं तो उन उनमें उन आपके क्या रूल एक पहले बेसिक डिफ्रेंस समझना पड़ता है मीडिया का लेकर हुँ. जब टेलीविजन एक टाइम पर माना जाता है कि वो बच्चों को बिगाड़ रहा है इन्फ्लुएंस कर रहा है एक ज़माने में न्यूज़पेपर के बारे में यही बात चलती थी हर एक मीडिया का क्रिटिसिज्म होता है बट हर एक इन्वेंशन एक उसके नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं सोशल मीडिया का बेसिक डिफरेंस है कि अनलाइक टेलीविजन के जहाँ पर हर कोई अपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकता कुछ अच्छी मूवीज़ बनती कुछ फालतू मूवीज़ भी बनती थी पर जिनके पास पैसे होते थे वो कर सकते थे आज का सिचुएशन बहुत अलग इसलिए क्योंकि आज आटा महंगा और डेटा सस्ता या फ्री है तो इसलिए हर एक के लिए मोबाइल के अंदर वीडियो बनाना अपलोड कर देना किसी के डायलॉग्स पर लिप लिप्सिंग करना बड़ा आसान हो गया अ लॉट ऑफ़ पीपल एक्चुअली लिव इन दिस सुपरफिशियल बबल और दूसरी बात यह है कि हम फिजिकली एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड नहीं है जितना हम सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं अ लॉट ऑफ पीपल हु प्रोबली आर रियली लोनली इन पर्सनल लाइफ और रियल लाइफ और दे आर नॉट एबल टू हैंग आउट विद पीपल अराउंड एज मच स्पेशली फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव एंड सो दे आर लुकिंग फॉर सोशल मीडिया अप्रूवल उनके फॉलोअर्स घट भी जाते हैं तो वो अपसेट हो जाते हैं आपने जिस इंसान को शायद वर्चुअली देखा है और रियल लाइफ में देखा तक नहीं वो किसी और स्टेट में या कंट्री में बैठा हुआ है उसने आपको अनफॉलो कर दिया और वो आपको अपसेट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया खराब चीज़ है काफ़ी टैलेंटेड लोगों को प्लेटफॉर्म भी दे रहा है बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंटेंट एंड यू नो जस्ट बोरिंग समबडड एल्स डायलॉग बोरिंग सम बड सॉन्ग एंड ऑल एंड देन डूइंग सर्टन काइंड ऑफ मूव एंड डन इसीलिए अगर आप ऑर्गेनिक प्रोग्रेस होती है अचानक से फॉलोअर्स बढ़ जाएं किसी एक रात की पॉपुलैरिटी हो वो अलग चीज़ है वो बचपन का प्यार फिर बहुत जल्दी भुला दिया जाता है वो पीछे देखने वाला बच्चा भूल जाते हैं लोग और फिर एक गायिका जो होती है उसके पीछे सेलिब्रिटीशिप पाती है और फिर उसको भी लोग भूल जाते हैं इफ़ इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट यू नीड टू बी ओरिजिनल वरना डुप्लीकेट और कॉपी चलता है यू you नो know, हम यहाँ पर फारी कर रहे हैं वो कुछ वक्त के लिए चलता है वो ट्रेंड होता है दर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेंड दर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यू नो बींग रियली कंसिस्टेंट अबाउट सम क्वालिटी थिंग एंड हैविंग योर ओन आइडेंटिटी आपका जौनरा क्या है आप कभी ये कर रहे हो कभी वो कर रहे हो आप हर एक चीज़ बोरो कर रहे हो दोज़ आर द पीपल हुआ आर रियली जस्ट फ्लडिंग आउट थिंग्स विदाउट एनी काइंड ऑफ टैलेंट तो कभी कभी रियल टैलेंट को प्लेटफॉर्म इसलिए भी नहीं मिलता है क्योंकि इन तरह की ट्रेंडिंग चीज़ों की वजह से जो रियली really अच्छे और कंसिस्टेंट कंटेंट देते हैं उनको हाईलाइट ही नहीं किया जाता दैट इज़ वन थिंग अगेन सोशल मीडिया इज रियली वियर थिंग क्योंकि आप सोशल मीडिया के अंदर किसी एक चीज के अप्रूवल like के लिए बैठें किसी के लाइक के लिए बैठें किसी के फीडबैक के लिए बैठें उसमें से आपको ये भी नहीं पता है कि कितनों ने आपका कंटेंट देखा भी है हाउ मेनी ऑफ देम हैव रियली गॉन थ्रू इट एंड देन क्रिटिसाइजिंग यू और गिविंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और फीडबैक बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल मे जस्ट लाइक इट बिकॉज दे आर फेडअप या जल्दी से लाइक like कर दो वरना या फिर स्टोरी आते के साथ ही एक हार्ट आ जाना चाहिए डन <laughs>

यू नो यू यू गो थ्रू द मीडिया यू आर मिस इन्फॉर्म्ड देर इज समीट दट लॉन्ग दम गो इफ यू डोंट गो थ्रू द मीडिया यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड बट द प्रॉलम इज मिस इन्फॉर्मेशन इज मोर इन सोशल मीडिया आज के टाइम में लोग इतनी पेशेंस नहीं रखते कि चीज़ों को वेरीफाई कर दें काफ़ी ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें इतनी अंडरस्टैंड और बकवास बातें लिखी होती है और पढ़े लिखे, लिखे लोग मानते हैं नासा ने इंडिया के नेशनल एंथम को बेस्ट नेशनल एंथम कहा और ये पिछले आठ दस सालों से तो मैं पढ़ता आ रहा हूँ लेकिन नासा एक स्पेस सेंटर है और वो इतना विल्ला okay. बैठा हुआ है क्या You know, <laughs> जनगण नमनों को सुनते बाकी सब तो ठीक था लेकिन जब जय है है नेशनल एंथम करार करते उतना फ्री तो वो नहीं होगा <laughs> तो जब पढ़े लिखे लोग ये सब चीजें शेयर करते आई फाइंड इट रियली विड इट शोज दैट पीपल आर नॉट इवन कंसर्न रीडिंग वेरीफाइंग अंडरस्टैंडिंग दे जस्ट फॉर्वर्ड इट आउट स्पेशली द फैमिली ग्रुप एंड अंकल आंटी विद ऑल यू रेस्पेक्ट एंड रील्स में आपका क्या कहना की रील्स में अभी क्या की जैसे टाइम अभी आ गया आज का यूथ जो ज़्यादा रील्स देखता है स्क्रोल डाउन कर रहा है तो अटेंशन पेशेंस स्पा, नहीं है ना हाँ हम सब में पेशेंस नहीं है मेरे अंदर भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट मैं किसी और को क्रिटिसाइज़ करूँ उससे पहले भी सेल्फ क्रिटिक बट ये चॉइसेस बहुत सारी होती है हम जल्दी बोर हो जाते हैं द रीज़न इज बिकॉज लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स तो हम सोशल मीडिया में क्या चाहते हैं हमें नहीं पता हमें एक चीज़ एंटरटेनिंग लगती है कुछ सेकेंड बाद हमारी पेशेंस लूज हो जाती है हम तुरंत तो जितना ज़्यादा आपकी पेशेंस कम हो रही है उतनी ज़्यादा उनकी साइज़ या कंसिस्टेंसी कम हो रही है किसी चीज़ की so if the reel is interesting it's fine but if it, the reel is long then you will just skip it out because you are easily bored exactly so we are the people who are actually doing that and we are growing up in that generation mere parents ke time pe shayad 3G network bhi nahi आया था 2G tha मेरे time में 3G था पर मैं 4G से भी खुश नहीं हूँ मैं भी reel पट 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 करते रहता हूँ okay reels के comparison में से podcast हम create करते हैं podcast आपको क्या चाहिए मतलब लगता है कि सुनना चाहिए कि उनके बारे में क्या news है देखो अब uh, सिंपल सी बात है चेतन भगत को पढ़ने वाले चेतन भगत को पढ़ेंगे खालिद हुसैनी को पढ़ने वाले खालिद हुसैनी को पढ़ेंगे हर एक का अपना कंटेंट होता है कोई संजय लीला भंसाली का फैन है कोई राम गोपाल वर्मा का भी फैन होगा आई बिलीव बट हर एक के अपने जॉनरा होते हैं सो इट्स जस्ट बिकॉज के ज़्यादा लोग इम्पेशेंट है इसका मतलब ये मान लेना सही नहीं होता यू शुड नेवर बी जजमेंटल अबाउट पीपल दो आई मे साउंड लाइक वन दो बट हर एक अपनी प्रेफरेंस रखता है हर एक इंसान कभी ना कभी सीरियस रीडिंग सीरियस पॉडकास्ट यू नो व्यूइंग सीरियस डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी देखता है दैट पर्सन नीड्स टू रियलाइज़ इज और हर इंटरेस्ट वो एक टाइम लगता है बट देर आर पीपल जो कभी कभी टाइम पास चीजें ज़्यादा देखते हैं बीच में कभी कभार कोई इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट्री कोई डॉक्यू ड्रामा भी देख लेते हैं

बट ये है कि वॉट डू यू गिव टू योर ऑडियंस दैट मेक्स अ डिफरेंस आई डो स्टोरी टेलिंग और uh, मैं कभी कभार ये कहता हूँ कि स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जब आप बोल रहे हैं तो सुनने वाला इतना इन्ग्रॉस हो जाए कि उसे बाथरूम जाना हो उसका भी एहसास ना रहे द पर्सन इज लॉस्ट इन दैट नरेशन तो अगर नरेशन अच्छा है स्टार्टिंग अच्छी है और फिर आपने जकड़ लिया तो आपका पॉडकास्ट कितना भी लंबा क्यों ना हो सुनने वाला सुनेगा सो द पॉइंट इज़ पैकेजिंग इफ द पैकेजिंग इज़ गुड डजेंट मैटर इफ इट्स थर्टी सेकेंड और थर्टी मिनट्स पीपल विल लिसन टू इट और वॉच इट दिस इज़ वॉट आई बिलीव अगेन दिस इज वॉट आई बिलीव आई बिलीव एवरी इंडिविजुअल एज अ डिफरेंट बिलीव सिस्टम सो यू कॉन्ट इम्पोज योर थाट प्रोसेस ऑन अदर्स बट ओके याट्स डेमोक्रेसी एंड अगर सोशल कोई यूथ है आजकल जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है उनको सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना चाहिए ऐसा कैसा क्रिएट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सोशल मीडिया में क्या कर रहे हो <laughs> आ, मतलब हावी ना हो जाए उसके लिए क्या मतलब करना चाहिए कुछ सोशल मीडिया ओके थोड़ा बहुत रिलैक्स होने के लिए सही है बट इफ़ यू यूट टू रिलेक्स दर आर टू रिलैक्स सोशल मीडिया इज लाइक अ लूप एक चीज के बाद दूसरी बात तीसरी चौथी पता ही नहीं चलेगा कहाँ एक से एक पर जम्प uh, मारना चलेगा सो यू कैन डू इज देन ट्राइंग टू रिफ्रेश विथ जस्ट सोशल मीडिया आई डोंट टू ट्राई रीडिंग अ बुक इवन अ कॉमिक बुक इज फाइन और किसने कहा टीन एजर्स के लिए कॉमिक बुक नहीं आती मैं इस एज में भी अची कॉमिक्स पढ़ता हूँ देर आर रिलैक्सिंग कॉमिक बुक्स ओके देर आर स्टोरी बुक्स यू कैन टॉक विद समी योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स सो यू हैव अदर मीडियम्स टू रिलैक्स पहली बात यह दूसरे कि सोशल मीडिया में ये चीज भी होती है व्हाट्सएप से या फिर इंस्टाग्राम से लोग पूछते हैं कितना पढ़ा तो सामने वाला यही बोलने वाले मैंने कुछ नहीं पढ़ा वो झूठ बोल रहा है उसने बहुत पढ़ा है उसकी भी हालत पतली है पर वो भी वही टाइम वेस्ट कर रहा है जो तुम कर रहे हो स्टे अवे फ्राम सोशल मीडिया वो ऑक्सीजन नहीं है कि उसके बिना मर जाओगे वरना आपके पास स्मार्टफोन या नॉर्मल फोन हो कोई भी फ़ोन करके आपको बोली देगा पेपर लीक हो चुका है आजा खरीदने के लिए वरना यू नो फोन शुड बी अवॉइडेड दिस इज what आई बिलीव पहले कैसा था और आज कैसा आप आपके ज़माने में कैसा था अभी कैसा है मैं चालीस पचास साल पुराना नहीं हूँ हाँ मतलब? सो <laughs> so, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन दो में पूरा किया है सो okay. so, मेरे टाइम में वही था ऐसा ही सेट ना मैम थ्री जी नेटवर्क तो था ही था बट डेटा महंगा था इसलिए दोस्त को मैसेज करने से पहले भी सोचना पड़ता था आज वो नहीं है क्योंकि मुफ्त है तो लोग बातें करने लग जाते तो पहले ये भी आता था कि भाई तुम्हारी औकात के हिसाब से पैसे खर्च हो चुके अब नेट बंद हो जाएगा तो फ़ोन अपने <laughs> आप एक साइड चला ही जाता था नो डाउट अबाउट इट बट अब ऐसा नहीं है ऐसा ही डेटा इज यू नो चीपर देन आटा तो ये है कि इसी वजह से ही लोगों को फुल स्टॉप मारना पता भी नहीं चलेगा पहले तो क्या होता था कि इंटरनेट कंपनी खुद हमारे लिए फुल स्टॉप मार देती थी हाँ। कि आपकी लिमिट पूरी हो चुकी है फ़ोन रख दो साइड में वो तो बहुत कम लिमिट होती थी सो दैट्स वन थिंग एंड देन अगेन आई एम अ बुक रीडर मुझे आज भी पी पढ़नी पसंद नहीं हाथ में किताब हो तो मजा आता है आई एम दैट काइंड ऑफ अ गाय तो मेरे साथ मेरे कलीग और क्लासमेट ऐसे थे कि जो व्हाट्सअप में जमे रहते थे किसी का भी मुफ्त का वाईफाई ढूंढ के तो ऐसा नहीं कि दुनिया हमेशा अच्छी थी मेरी तरह बट आई एटलीस्ट फ रीडिंग आई एक्चुअली टॉप टू माई बैच दैट्स समथिंग गुड मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की हुई है इससे पहले भी ग्रेजुएशन में वो डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ तो अपने आपको सुनाने के लिए तो अच्छा लगता है दैट्स वेरी रियली ग्रेट अगर आप आगे जाके अगर एजुकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए अभी के पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम में आपका क्या कहना है एजुकेशन सिस्टम इंडिया की बात करें तो अभी की क्यों बात करें सालों से एक ही बात कर रहा हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं एग्जामिनेशन सिस्टम है पहली बात ये दूसरी बात यह कि हमने सबसे बड़ी गलती या जो भी आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज़ द गवर्नमेंट वो सिचुएशन अलग थी आज़ादी के तुरंत बाद बट बड़ी अजीब बात है ना कि हम आईआईटी जैसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं आई एम जैसे इंस्टीट्यूट्स है एम्स जैसे इंस्टीट्यूट है वहाँ पर एडमिशन के लोग मर रहे होते हैं Hmm. मतलब उनकी रेप्यूटेशन ऐसी है उनका फीस स्ट्रक्चर भी नॉमिनल अगर आप उनके एग्जामिनेशन को क्रैक कर लो कम्पेटेटिव बट नो बडी थाट के अगर हमने एजुकेशन के फाउंडेशन लेवल पर इतना स्ट्रॉग फाउंडेशन खड़ा कर दिया होता कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला लड़का या लड़की भी बहुत अच्छी फर्राटेदार अंग्रेज़ी में बात कर रहे होते वो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें दिया होता तो कॉलेज लेवल पे अच्छे एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती hmm. अपने आप ही हर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने वाला स्टूडेंट ही वो डिमांड करता वो क्वालिटी वो फैकल्टीज वो प्रोफेसर ही खुद ऑन गार्ड रहते कि भाई ये जैसा तैसा स्टूडेंट नहीं है इतने अच्छे फाउंडेशन से आया तो मुझे भी क्वालिटी एजुकेशन देना पड़ेगा यहाँ पर बात ही उल्टी है हमने खंभे इतने कमजोर रखे कि ऊपर की इमारत गिरने ही वाली है सो आई बिलीव वी शुड हैव एक्चुअली हैड अ ग्रेट फाउंडेशन फॉर एजुकेशन और अगर पहले नहीं कर पाए तो आज करने की जरूरत है वन थिंग थिंग फाउंडेशन यू मीन लाइक प्राइमरी स्कूलिंग अगेन इसमें मैं uh, लिंग्विस्टिक स्कूलिंग की भी बात करूंगा कि जहां पर लैंग्वेज की बात आती है हम इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश जिस लेवल का पढ़ा रहे हैं हम गुजराती मीडियम पंजाबी मीडियम बंगाली मीडियम जैसे भी वर्नाकुलर मीडियम के अंदर वही लेवल का इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाते अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट गुजराती लैंग्वेज कोर्स लेवल पर पढ़ सकता है अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट पंजाबी हिंदी वगैरह कोर्स लैंग्वेज में पढ़ सकता है मैंने अलग स्टेट्स में पढ़ाई की इसलिए बोल रहा हूँ इवन स्टडी इन कर्नाटका तो मुझे कन्नडा सीखने के लिए जबरदस्ती कहा जाता था कि यू हैव टू स्टडी स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी थी क्योंकि मेरी हिंदी बहुत तगड़ी थी कि मैं अपने आप हिंदी पढ़ूंगा एंड आई पास इट और मैंने हिंदी में टॉप किया बिना किसी टीचर के आई एम नॉट बोस्टिंग आई एम टेलिंग ट्रूथ द पॉइंट इज़ कि अगर उस लेवल का आपको इंग्लिश मीडियम में वर्नाकुलर लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है तो गुजराती मीडियम हिंदी मीडियम पंजाब वर्नाकुलर मीडियम में भी इंग्लिश को उसी लेवल से पढ़ाओ बच्चा बच्चा उसे पता ही नहीं चलने वाला है कि इसकी डिफिकल्टी hmm. लेवल क्या है पर कम से कम उस लेवल से पढ़ते पढ़ते जब वो ग्रो अप करेगा तो उसकी लैंग्वेज की प्रोफेशनसी कम से कम बेहतर होगी एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लेवल की होगी तब किसी भी तरह की गवर्नमेंट सर्विस की एग्जामिनेशन वो पीछे नहीं पड़ जाएगा तब ट्रांसलेशन में उसे इश्यू नहीं आएगा ओके okay? hmm. क्योंकि वो चीनी खाता है इसलिए वो मोटा है बिकॉज ही इट्स शुगर या ही इट चाइनीज़ ये कन्फ्यूजन है ना क्योंकि चाइनीज़ और चीनी दोनों में चीनी बोला जाता है और शुगर के लिए भी जब ट्रांसलेशन की गलती होती है तब पता चलता है दिस इज़ आर मिस्टेक और कभी कभार वो मिस इंटरप्रिट करता है और गलत आंसर अपनी भाषा में टिक करके आ जाता है बाद में पता चलता है आंसर की में तो आंसर मैच नहीं हो रहा था यू मिसअरस्टूड शुगर वेद चाइनीज़ सो आई थिंक फाउंडेशन लेवल पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है एंड्री वॉट इज्यूर्डिंग इज द वैल्यू ऑफ अ डिग्री डिग्री अकॉर्डिंग टू यू इज क्वालिफाइंग थिंग्स मोर इम्पोर्टेंट इज नॉलेज अब इसके पीछे एक रीजन ये कि हमारी कंट्री के अंदर वो क्वालिफिकेशन के पेपर को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और एक चीज कई लोग मिस कोर्ट करते हैं थॉमस अलवा एडिसन का एक कोट था अ शीट ऑफ पेपर इज नॉट गोइंग टू डिसाइड माई फ्यूचर Exactly. इसका भी गलत प्रेजेंटेशन है थॉमस एलो एडिसन ये नहीं कहा था कि डिग्री का पेपर या मार्क्स कार्ड मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन पेपर नाम का शीट ऑफ पेपर मेरी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा मेरे पास हर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए अभी नहीं तो बाद में मैं ढूंढ के दिखाऊंगा जो लोग पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं जिनको क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती वो ये बात चिपका देते हैं थॉमस एलो एडिसन सट दैट नो वट ही सेट इस वेन यू गुड एट समथिंग पुट योर माइंड एंड सोल इंटू इट ट्राई टू फाइंड सल्यूशन एंड आंसर फॉर थिंग्स अगर आप आंसर ढूंढने की हैसियत रखते हो तो आप ज़िंदगी में जिस फील्ड में अपना पैर रखोगे आप आगे बढ़ोगे प्रॉब्लम है इसके कई सारे लोग जो बिलो एवरेज परफॉर्मेंस देते और जो इंटरेस्टेड ही नहीं है परफॉर्म करने के लिए कमिटेड नहीं है वो ये करते अब इसके पीछे की वजह है दर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड दर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट आज मुझे इंटरेस्ट हो रहा है चलो मैं डॉक्टर बन जाता हूँ मुझे डॉक्टर बनना है क्यों क्योंकि बस वो वाइट कोट पहनना अच्छा लगता है पेशेंट ऐसे लगे होंगे उनके तो ऐसे ऐसे ऐशे चार बजे बोलेंगे टाइम लेकिन आएंगे साढ़े पाँच बजे ये सब पैसे बहुत मिलेंगे दैट इज इंटरेस्ट द पॉइंट इज मेरा इंटरेस्ट आज टेम्पररी है कल मेरा इंटरेस्ट बदल जाएगा अब आर्मी ज्वाइन करनी है जेम्स बॉन्ड बनना है स्पाइक रॉ ज्वाइन कर लूंगा बंदूके बंदूके घुमाऊँगा कल फिर से इंटरेस्ट बदल सकता है पायलट बनने का मन कर रहा है ऐप्टीट्यूड इन बॉर्न स्केल्स है हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी सारी जगह पर स्टूडेंट्स uh, uh, के पेरेंट्स ही उनके एप्टीट्यूड को नहीं समझ पाते इसलिए उसको सही डायरेक्शन में चैनल नहीं कर पा रहे और इसीलिए आप देखते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट 80 परसेंट पॉपुलेशन ग्रेजुएशन जिस फील्ड में उन लोगों ने इलेवन ट्वेल्थ किया उसमें ग्रेजुएशन कंटिन्यू नहीं करती और करती है तो उसके बाद मास्टर डिग्री के अंदर वो कोर्स और स्ट्रीम बदल चुकी होती है और उसके बाद प्रोफेशन में उसमें तो शायद फोर टू फाइव शायद जाती होगी दैट इज़ वन ऑफ द थिंग काफ़ी सारे लोग अपने एप्टीट्यूड को पहचान ही नहीं पा रहे काफ़ी सारे और दूसरी चीज़ एक एजुकेशन की बात आई तो ये भी कहना चाहूँगा जो मैं कहना भूल गया था हमारे सिस्टम में हमारा अप्रोच भी बदलने की जरूरत है मैं गुजराती न्यूज़पेपर में जब भी पढ़ता हूँ ये मैंने गुजरात में देखा बाहर नहीं देखा हालांकि जब भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ जब रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे होते हैं ट्वेल्थ के तब साइंस के लिए लिखा होता है विज्ञान प्रवाना रिजल्ट और कॉमर्स और साइंस के ए, ए, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए लिखा होता है सामान्य प्रवाह मतलब आप साइकोलॉजिकली न्यूज़पेपर भी एक हो रहा है कि अगर आपने आर्ट्स या कॉमर्स लिया हुआ है तो आप नॉर्मल एवरेज बैकग्राउंड से आ रहे हो और साइंस इज़ अ वेरी स्पेशल चाइल्ड Hmm. तो अब तो प्रेजोडिस पहले से एक बच्चे के दिमाग में खड़ा कर रहे हो अगर उसे कॉमर्स या आर्ट्स लेना भी है तो खुद इतने सालों से न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते डर रहा होगा मेरे पेरेंट्स मेरी सोसाइटी मुझे ऑन एन एवरेज क्या समझेंगे सो हाउ वी एक्चुअली प्रमोट समथिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस तो पहले तो ये बाइफर्केशन बंद करना चाहिए ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का रिजल्ट आए साइंस का या आर्ट्स का आया कॉमर्स का आया सामान्य प्रवाह विज्ञान प्रवाह ये नहीं होना चाहिए तो एप्टीट्यूड समझिए दूसरी बात यह कोई भी इंसान भूखा नहीं मरता है किसी ना किसी तरह पैसे कमा लेता है hmm. तो जब हमारे दिमाग में से हम नेगेटिविटी निकालेंगे कि भाई साइंस लिया तो पेट भरोगे आर्ट्स या कॉमर्स लिया तो भूखे मरोगे आर्ट्स में तो सड़कों पर हाथ में कटोरा लेकर खड़े होगे या एटीट्यूड निकाल दें तो कहीं जाकर कोई स्टूडेंट एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में एक्सेप्ट करेगा कि ये मेरी कैपेसिटी है ये नहीं है ये मुझसे नहीं हो सकता तो इस वजह से भी आगे चल के लोग अपने करियर में राइटली फोकस करके ग्रो कर पाएंगे एंड अगेन नॉट टू से दिस इनफ सफिशेंटली सुसाइड केसेस कम होंगे दिस वॉट आई बिलीव स्ट्रांगली ओके क्योंकि मैंने कई मतलब अगर मेरी स्ट्रीम की बात करूं जैसे जे डब्ल्यू मेन्स एडवांस ऐसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं इंजीनियर्स बन के भी उसमें लोग इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं जैसे कंप्यूटर इंजीनियर बन गए लेकिन कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ नहीं कर रहे कुछ अलग ही फील्ड में अपना कर रहे हैं तो I ऐसा पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व है आई थिंक आई आई डोंट डिनाइट ना मैंने क्या कहा एप्टीट्यूड की बात है इंटरेस्ट की बात है मैंने सॉफ्टवेयर hmm. में ही बैचलर किया है और तब मेरे क्लासमेट्स मैंने कॉल सेंटर में जॉब करता था तो कंप्यूटर की प्रोफेशन अच्छी थी ये एक वजह थी तो और मुझे स्कॉलरशिप मिल रही थी हंड्रेड परसेंट और मेरा कंप्यूटर की तरफ इंक्लिनेशन था बट फर्स्ट सेमेस्टर में ये हुआ था कि राजकोट में रेड एफ इंट्रोड्यूस हुआ था एस एफ ट्रांसफॉर्म हुआ था रेड एफ के आर हंट में मैं विनर बना मैं फ्री लांस शोज करता था रेडियो चौकी का, का काम मुझे अच्छा लगता था पॉपुलैरिटी अच्छी लगती थी तो मुझे पहले सेमेस्टर से ही पता चल गया था कि कंप्यूटर के पीछे गुमनामी के साथ कोडिंग करते करते मैं मरना नहीं चाहता बट इट वॉज स्टिल लेट मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया हमारी कंट्री के अंदर मुझे भी अपने अपडिट्यूट को जानने में काफ़ी देर लगी पर मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं पैसे कमाने के चक्कर में ये फोकस नहीं करता था क्योंकि मुझे कौन ज़्यादा पैकेज अच्छा दे सकता है ये ख्याल तो और कई सारे स्टूडेंट्स को यही होता है बट यू आर नॉट कमिंग फ्राम अ स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड तो आप पहले से ये डिसाइड करो ना कि आपको आपकी ज़िंदगी में करना क्या है hmm. अब इसके पीछे एक कंसेप्ट है कि अलॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू टेक आर्टिस्टिक फील बिकॉज दे कान अफोर्ड टू सर्वाइव इन दैट काफ़ी सारे लोग आर्टिस्टिक फील्ड में इसलिए नहीं जाते जैसे एक्टिंग है सिंगिंग है पेंटिंग है क्योंकि उनको शायद रेमुनरेशन बहुत कम मिले शुरुआती दौर पे और अपने आप को इस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लगे अनलाइक अदर कन्वेंशनल फील्ड तो इसलिए सेफ साइड के लिए काफ़ी सारे लोग वो लेते हैं इसके पीछे वजह है कि योर पॉकेट डजन अफोर्डिट जबकि आप देखते हैं कि वेल टू डू फैमिली में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं फैशन डिजाइनिंग है इंटीरियर डिजाइनिंग है आर्ट है डांस है, है इन सारी चीज़ों में जाते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ यू नो इट इज़ ओनली फॉर द पीपल हु कैन अफोर्ड इट वॉट अबाउट पीपल कमिंग फ्रॉम नॉट सो वेल टू डू बैकग्राउंड द पॉइंट इज एवरीबडी इज़ आर्टिस्टिक फ्राम इनसाइड अ लिटिल बिट इफ दे हैव अ चॉइस दे वुल चूज आर्ट्स द प्रॉब्लम इज नॉट एवरीबडी इज एबल टू अफोर्ड इट दैट्स वाई दे कॉम्प्रोमाइज इट अ लिटिल बिट सो पॉइंट ये है कि पर अल्टीमेटली आप अपनी ग्रेजुएशन किसी चीज़ में करके जब अपने करियर में उस फील्ड को पसंद ही नहीं करते तो या तो आप उसमें अपना करियर बनाओगे नहीं hmm. और अगर उसमें करियर बनाओगे नहीं तो आपको जिस करियर जिसमें करियर बनाना है उसकी कोई ट्रेनिंग आपने ली नहीं है अगेन वही स्ट्रगलिंग फेज आएगा अगेन वही डिस्टर्बेंस होगी अगेन वही कंपटीशन होगा अगेन आपको ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना होगा तो भले कुछ भी हो जाए आपके एप्टीट्यूड को पहचाने एक बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन हासिल करें और अपने एप्टीट्यूड को दिशा दें और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपका एप्टीट्यूड जिसमें हो वो शायद आपका इंटरेस्ट ना हो पर फिर भी अपने एप्टीट्यूड को पॉलिश कर ले क्योंकि इट विल बी अ गुड सपोर्ट फॉर यू दिस इज वट आई बिलीव हाउ टू नो वट आई वट इज़ योर एप्टीट्यूड लाइक हाउ टू डिस्कवर योर एप्टीट्यूड इज इन दिन क्वालिटी समथिंग दैट यू आर रियली गुड एट ग्रास्पिंग यू आर रियली गुड एट डूइंग समथिंग एंड यू डोंट फील बोर्ड डूइंग इट स्टीव जॉब सेट दैट यू नीड टू नो वॉट इज योर मस्ट स्टीव जॉब सेट यू नो यू नीड टू नो वॉट इज दैट थिंग दैट यू नो नो मैटर वॉट हैपन्स यू विल नॉट लीव एंड इट विल नॉट नेवर फील लाइक वर्क एंड दैट इज़ योर एप्टीट्यूड और इंक्लीनेशन इज़ टूअर्ड्स समझे अगर किसी को मैथमेटिक्स नहीं पसंद है और उसे लैंग्वेज पसंद है उसकी प्रोफेशन लैंग्वेज में है बट आप कॉन्स्टेंटली उसे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आगे चल के इंजीनियर बन जाए इट माइट नॉट वर्कआउट मैथेमेटिक्स आप याद दिलवा सकते हैं रट्टा मरवा सकते हैं बट इफ़ यू फोर्स योर सेल्फ कॉम्प्रोमाइज जैसा है यू कॉम्प्रोमाइज अ लाइफ टाइम नंबर देकर फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो दो चीज़ें हो सकती या तो फिर वो इस जब इतना इंडिपेंडेंट बन जाए कि रेबेल करे तो मना कर देगा कि मुझे इस फील्ड में कुछ नहीं करना या फिर वो इंसान इतना मीकिश है कि वो रेबेल कर ही नहीं सकता तो वो पूरी ज़िंदगी अपने आप को ज़बरदस्ती उस चीज़ में ऑन एन एवरेज या फिर बिलो एवरेज परफॉर्मेंस देने के साथ एक लेमन लाइफ जिएगा मोनोटोनस जिंदगी जिएगा वो अपने फैमिली से फ्रस्ट्रेट रहेगा वो अपने आप से फ्रस्ट्रेट रहेगा और वो कभी भी अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देगा तो उसे ये फ्रस्ट्रेशन भी होगी कि मुझे मेरे काम के हिसाब से क्रेडिट नहीं मिल रहा है hmm. पैसे उस चीज़ के नहीं मिलते हैं क्रेडिट उस चीज़ का नहीं मिलता है जो आप रूटीन मोनोटोनी में करते हो यू ऑलवेज गेट अप्रिशिएटेड फॉर समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स डिफरेंट और बेटर क्वालिटी ठीक है इट डजेंट मैटर वॉट योर नेम इज आपका काम चलता है तो नाम चलता है राइट right? तो काम चले ऐसा काम करना पड़ता है वरना काम तो हर कोई करता है hmm. आप क्या अलग दे रहे हो एंड दैट मैटर्स थ्रू एप्टीट्यूड

और उसके पीछे एक वजह ये भी एक इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि हमारी कंट्री में किताब पूरी इस चीज़ पर लिखी गई है आई नीड टू नेम इट विदाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सी पीपल नोज अबाउट इट एंड ऐसे मंदिर भी हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के पूर्वज भी जानते थे कि इसको समझाना ज़रूरी है बट आज के टाइम में काफ़ी सारी चीज़ों पे पर्दा डाल दिया जाता है टिपिकल थिंग विच आई रियली फाइंड अमेजिंग और इसकी वजह से ये होता है कि सिंस इंटरनेट एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर इजीली एंड चीपली अवेलेबल काफ़ी सारे लोग पोनोग्राफिक कंटेंट को रेफर करते हैं इरोटिक बुक्स को रेफर करते हैं अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं आपका दोस्त आपकी उम्र का है आपके पेरेंट्स की उम्र का नहीं है उसकी अंडरस्टैंडिंग उसका एक्सपीरियंस उसकी मेचोरिटी आपके लेवल की थोड़े एक आध साल आगे पीछे होगी वो आपको क्या सलाह देगा hmm. और पोनोग्राफिक कंटेंट ऑलरेडी एक मिसकनसेप्शन खड़ा करता है इट इज़ ऑलरेडी क्रिएटिंग प्रेजोडिज इन द माइंड रिगार्डिंग सो मैनी थिंग्स आपकी एनाटॉमी यू नो द डाउट्स अबाउट साइज एंड द परफॉर्मेंस मिनट्स एंड लेंथ एंड ड्यूरेशन एंड ऑल द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पेरेंट्स को थोड़ा बहुत तो इस चीज़ों को ओपनली डिस्कस करना चाहिए और उसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कई सारे पेरेंट्स इस बात से डरते हैं कई सारे सोशल मेंबर इस बात से डरते हैं कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में पढ़ा जाएगा तो लोग मिसगाइड होंगे मिसगाइड होने वाला तो वैसे भी मिसगाइड हो जाएगा वो तो ऑलरेडी हो रहा है अगर सोशल मीडिया में इतनी सारी चीज़ें यू नो धल्ले से या धड़ल्ले से अवेलेबल है तो तो पॉइंट तो पॉइंटेस अगर कम से कम आप उनके साथ ओपनली डिस्कस करें कि ना मेचोर वे तो वो मिस गाइडेड कंटेंट को देखकर भी समझेगा कि ये रियलिटी नहीं है और कई बार ये होता है कि जब आप स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा दबाते हैं तभी तो वो ज़्यादा उछलती है इन अ वीकर मोमेंट अगर आप कंप्लीटली इन सारी चीज़ों की नॉलेज को ब्लॉक करके रख के बैठे हुए हैं आप इन पर पर्दा डाल के बैठे हुए तो क्यूरियोसिटी तो क्यूरियोसिटी है थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं इससे आपको बातें बाहर से भी मिलने सुनने वाली है गौतम बुद्ध को भी बाहर से पता ही चला था कि हाँ भाई दुनिया में लोग मरते हैं बूढ़े भी होते हैं दुनिया ऐसी ही है मैं तो ये सोच रहा था मैं कभी बूढ़ा नहीं होने वाला तो फिर पूरी जिंदगी बदल गई ना वाई डिट गौतम बुद्ध सडनली बिकम अ सेंट एन एसेटिक क्योंकि उनको पूरी जिंदगी में एक थ्री सिक्सटी डिग्री टर्न आ गया उन्होंने एक इल्यूजन में जिंदगी जी थी उनको वास्तविकता का परिचय ही नहीं था और हर एक के साथ ही होता है जब वास्तविकता का परिचय नहीं होता तो एक झटका लगता है और कभी कभी वो एक्सट्रीम होता है इमोशनली मेंटली फिजिकली टू सो इफ यू शेयर थिंग्स तो ये होता है कि कई अचानक से सडनली इंफॉमेशन ओवरलोड होने की वजह से मिसअरस्टैंडिंग नहीं होती एक डिस्प्रेशन नहीं होता है प्लस सेकंड थिंग आई फाइंड इज अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्फ्लुएंस बाई अदर कंटेंट एंड यू नो थिंग्स दे रीड माई फ्रेंड इज इन टू दिस ये लोग ये ना हर रिलेशनशिप में हैं इन लोगों ने ये चीज़ें अकम्पलिश कर ली है इसमें इंटिमेसी की भी बात आ जाए तो मैं अभी भी पीछे हूँ पीयर प्रेशर के चक्कर में वैन यू आर नॉट मेंटली रेडी यू आर नॉट फिजिकली रेडी यू आर नॉट

क्योंकि उनको किसी ने लाइफ के बारे में समझा है नहीं इस चीज़ों के बारे में और उन्होंने जिन चीज़ों के बारे में रेफर करा वो रे... बताते हैं मैंने इस चीज़ में ये पढ़ा था इस मूवी में ऐसा देखा था आधा आधा घंटा तक यू नो लोग उन कंसिस्टेंट रहते हैं एंड सो एंड दैट इज़ टूपड इवन अ साइंटिफिक सर्विसिज एन एवरेज परफॉर्मेंस टाइम फॉर दैट थिंग वुड बी अराउंड सेवन मिनट्स मैक्स दैट टू इन अमेरिका कंट्री वाइज भी परफॉर्मेंसिस ऑफ यू नो पीपल इन डिफरेंट जोग्राफी इज़ वेरिंग Hmm. तो उसके नॉलेज तक लोगों को नहीं होते क्योंकि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल जिस चीज के लिए करते हैं उसके बदले साइंटिफिक पेपर या रिसर्च पेपर पर कर ले तो भी शायद ज्यादा जानने मिल जाए और यह तब होता है जब कोई बताए कि क्या रेफर करो क्या ना करो राइट एंड डोंट गूगल एवरीथिंग कुछ चीजें तो भगवान भी शायद आपको बताए आपके पेरेंट्स बता दें हर चीज़ गूगल में नहीं मिलती है ओके गो टू अ लाइब्रेरी दैट्स फार बेटर बिकॉज गूगल विल गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अ लाइब्रेरी यू द प्रिसाइस इंफॉर्मेशन इवन आई वुड से लाइक एंड ऑल दैट वो भी अगर कम बच्चे मतलब कम उम्र के बच्चे लाइक लेट्स से एट नाइन इयर्स उनको ये नॉलेज देना भी बहुत जरूरी लड़को है लड़कों को भी हाँ लड़कों को भी लड़कियों okay. को ही क्यों लड़के hmm. को पता होना चाहिए सैनिटरी पैड लेने जाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए इट्स अ नॉर्मल बायोलॉजिकल थिंग इट हैपन्स इफ यू डोंट नो अबाउट इट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ समर्सन इज गोइंग थ्रू आई न्यू अबाउट दिस आई बीन ग्रोन इन अ वेरी ब्रॉड माइंडेड एनवायरमेंट सो सिंपल थिंग सो यू नो ओके चलो इनको क्रैम्स पेन हो रहे हैं ये हो रहा है दूसरी चीज़ है कि खाली इस चीज़ के नॉलेज नहीं होनी चाहिए बेसिक स्किल्स होनी चाहिए खाना बनाना आना चाहिए बर्तन धोना आना चाहिए वो लड़के लड़की का काम नहीं है तो जब आपके फैमिली में कोई लेडी है वो काम काज नहीं कर पा रही है या यू नो वॉट इज़ द रीज़न बेसिकली तो कम से कम आप उनकी हेल्प करते हैं यू आर ट्राइंग टू सपोर्ट दैम दैट इज़ वन इम्पोर्टेंट थिंग सो यही है uh, इन सारी चीज़ों के बारे में लड़कियों को जितना पता होना चाहिए लड़कों को क्यों लड़कियों को इवेंचुअली पता चलता है फीमेल फिगर बताती है लड़कों को ज़्यादातर इन चीज़ों के बारे में मॉम शेयर नहीं करती या डैड शेयर नहीं करती ये नहीं होना चाहिए hmm. क्योंकि अगर उन्हें पता है तो कम से कम वो अपने घर में उस वक्त में उतने तो कॉन्शियस रहेंगे इमोशनली भी यू नो समाइम्स वेन समबडी इज़ एक्टिंग इरीटेबल वेन समबडडी इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ अपसेट मूड और हैविंग मूड स्विंग्स तो nice. आप यू विल नॉट बिकम जजमेंटल अबाउट दम And you will understand maybe that person is going through extreme amount of pain, or the person needs you know my support or understanding. That is one thing. Okay. Let's come into prostitution now, uh, guys. I want to uh, discuss about a very serious topic. Uh, I want to say, you like uh, Mr. Deepin Upadhyay had published a paper, uh, uh, sorry, research paper uh -huh. on prostitution.

ओके ए सी एस एस हैज़ एक्चुअली पब्लिशेड आई सबमिटेड एन एब्सट्रैक्ट इट गॉट सेलेक्टेड जब मैं एन आई एम सी जे नाम की इंस्टीट्यूट में मास कम्युनिकेशन कर रहा था तब मैंने एज अ स्टूडेंट ये दिया था आई आई गॉट सेलेक्टेड आई गॉट सर्टिफिकेट फ्रॉम ओसाका जापान एंड इंटरनेशनल इकनमिक फोरम फॉर दैट एंड द टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर वॉज शुड प्रॉस्टिट्यूशन बी लीगलाइज अब जैसा आपने कहा कि कई लोग शायद इस वर्ड को ना समझें <laughs> प्रोस्टिट्यूशन को शादी हिंदी भाषा में कहते हैं देय व्यापार ओके इंडल्जिंग इन टू सेक्शुअल कंडक्ट इन फेवर ऑफ मनी और समथिंग एल्स बेसिकली सेंग दैट पैसे कमाने के लिए अपने देह का व्यापार करने के लिए खास करके ये स्त्री गण की बात करें यू नो फीमेल सेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर एक रिसर्च पेपर मैंने लिखा था और उसके पीछे बहुत सारे बैकग्राउंड रीजन्स थे वो जब मैं साइबर कैफ में जॉब करता था तो काफ़ी सारे ऑनलाइन फोरम्स में भी पार्टिसिपेट करता था एंड वन फाइन डे वी वर इंटरेक्टिंग ऑन द सेम टॉपिक अब बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये एक मुद्दा कहाँ से आता है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये लीगलाइज है उसके पीछे भी रीजन्स हैं इंडिया के अंदर एक केस हुआ था सेवनटीन सेप्टेम्बर नाइनटीन नाइन्टी नाइन दैट इज़ कर्मस्कर केस वसेज द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जिसके अंदर एक uh, सोनागाछी करके एक प्रोस्टिट्यूशनल एरिया रेड लाइट एरिया जैसे कहते हैं वहाँ पर एक सेक्स वर्कर प्रोस्टिट्यूट वर्ड शायद सही नहीं लगता बोलना अभी बट एक सेक्स वर्कर थी उसका उसके ऊपर ब्रूटल यू नो अटेम्प्ट हुए थे मारने पीटने के उनके कस्टमरों से बहुत बुरी तरह से मारा था उसके बाद सीढ़ियों से धक्का मारते था एंड शी फेल्ड डाउन शी वॉज डीपली इंजर्ड एंड उसके बाद उनकी यू नो मृत्यु हो गई थी जिसको एक हत्या करार किया गया था नेचुरली होना भी चाहिए बिकॉज द वे ही हैड स्टार्टेड बीटिंग और जिस तरह बेरहमी से मार रहा था उनके बाल खींच लिए थे उनको बहुत बुरी तरह से पीटा सीढ़ियों से गिरा दिया फिर वो ऊपर से गिरी और उसके बाद इनकी उनकी, उनकी मृत्यु हो गई तब ये हुआ कि इस चीज़ पर एक क्वेश्चन है कि आर्टिकल ट्वेंटी वन ये कहता है कि भारत देश का हर एक नागरिक संवैधानिक तौर पर डिग्निटी और सेफ्टी का हक रखता है तो फिर ये कैटेगरी के लोग जिनको हम एक प्रोफेशन में डालते हैं उस प्रोफेशन को अगर आप प्रोफेशन ही नहीं मानते हो तो उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है अब उनके बच्चे होते हैं इनको समाज के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है गवर्नमेंट स्कूलिंग से लेकर रिहेबिलिटेशन या पढ़ाई लिखाई को लेकर ज़्यादातर उनमें से काफ़ी सारे अगर लड़के होते हैं तो अंडर वर्ण, माफिया वर्ल्ड स्मगलिंग इलीगल चीज़ों में पड़ जाते हैं या खुद ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं ट्रैफिकिंग का मतलब होता है किडनीपिंग लड़कियां होती है तो अगेन द सेम सिचुएशन वो अपने आप को रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं तो उसे उस इन्वायरमेंट से बाहर रहना पड़ेगा बट द प्रॉब्लम इज अगर आप हिरन हो और आप शेर के बीच में पढ़ो तो आपको फाड़ खाने वाले हैं जस्ट बिकॉज यू आर वेजिटेरियन doesn't मीन that द lion इज नॉट गोइंग टू eat यू राइट right? तो सिंपल सी बात है कि ऐसी काफ़ी सारी लड़कियां जो एक पर्टिकुलर एज में आने से पहले उसे कितने भी सेफ इन्वायरमेंट में रखने की कोशिश की जाए शी सकम इन टू दिस प्रोफेशन तीसरी बात यह है कि लॉ इन्फोर्स जिनका काम है लॉ इन्फोर्स करना कई बार तो ये खुद इन प्रोफेशन में इन्वॉल्व औरतों को विक्टम बनाते हैं ऐसे केसेस हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ लास्ट ईयर जून 8, एल नागेश्वर राव जस्टिस एल नागेश्वर राव जस्टिस बोपन्ना एंड जस्टिस गवे ने ये सारी वर्डिक्स दी हुई है उसके पहले 2011 में भी इसी केस की प्रोसीडिंग चल रही थी जो मैंने कहा था दैट uh, बुद्धदेव uh, कर्मस्कर वसे द स्टेट ऑफ बंगाल उसकी प्रोसीडिंग्स के बाद लास्ट जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आया कि दे हैव डिग्निटी दे हैव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दिस इज़ कंसिडर टू बी अ प्रोफेशन इट शुड नॉट बी ट्रीटेड अदरवाइज एंड पुलिस ऑफिसर्स वैन ट्राइंग टू डील विद दैम नीड टू सी दैट देट डिग्निटी इज़ इंटैक्ट एंड मेन्टेड अगर इस चीज़ को ज़्यादा रैशनलाइज या लीगलाइज किया जाता है तो कहीं ना कोई भी अपनी मर्जी से इस प्रोफेशन में आना नहीं चाहेगा कोई भी शौकिया तौर पर रस्ते पर खड़ा होकर भिखारी नहीं बनना चाहेगा कि यार मेरा पैशन तो भीख मांगना है सड़कों पर जब कार आती होगी तो साफ साफ दो रुपए सांप दस रुपए सांप बोलने का मन किसी को नहीं करता है, राइट वो मजबूर होता है दिक्कत है कि इस प्रोफेशन के अंदर काफी सारी औरतें ऐसी हैं कि जिनको किडनैप करके इस प्रोफेशन में डाला जाता है इंडिया और इंडिया के बाहर भी राइट सो अगर इनका रजिस्ट्रेशन होता है अगर इनका एक डेटाबेस बनता है अगर इनका लाइसेंसिंग तैयार किया जाता है तो अगर किसी को जबरदस्ती इस प्रोफेशन में डालने की कोशिश की जा रही है तो आपके पास एक सेंट्रलाइज अगर आपके पास इंसान सिटीजन के आइडेंटिटी के लिए यूनिफाइड सिस्टम है तो इनके लिए क्यों नहीं hmm. इनके बच्चों को रीहेबिलिटेशन का मौका मिलेगा सबसे ज़्यादा एड पेशेंट इसी एरियाज में से निकलते हैं क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि इस जगह पर जाने वाले लोगों को अपना मुंह छिपाना पड़ता है और काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि जो अगर एच पेशेंट है तो पता ही नहीं चलता कि किसकी वजह से किसको ट्रांसमिशन हो रहा है इनका मेल मेडिकल चेकअप हेल्थ चेकअप के लिए कोई सुविधा ही नहीं होती है और ऐसे हर एक बड़ी सिटी के अंदर एरियाज हैं बॉम्बे के अंदर पंत नगर और कमाठीपुर बंगाल में सोनागाछी है आप किसी भी एरिया में देख लीजिए ऐसा एक रेड लाइट एरिया आ ही जाता है ये प्र, ये प्रोफेशन ऐसा नहीं कि नया नया है भड़का दिया गया या यू नो भटकाने वाली वाली बात है दैट हैज़ बिन देयर सिंस लॉन्ग टाइम बट अब जो चल रहा है इसके अंदर माफिया वर्ल्ड क्रिमिनल वर्ल्ड किडनेपिंग जैसी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना चाहिए कि कोई नई यू नो जिंदगी इसमें ना बिगड़े इस किसी को कहीं से किडनैप कर लिया जाए तो पुलिस को पता हो कि इनका तो कोई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कोई डेटा हमारे पास नहीं है मतलब इनको रिहेबिलिटेट करने की जरूरत तो है उनके परिवार तक वापस पहुंचाने की जरूरत है हमें काफ़ी सारे लोग बड़े सेंसेटिव हो जाते हैं इस मुद्दे के बारे में बात करते हैं। पर हम क्यों भूल जाते हैं कि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं और वो इंसान है नागरिक बकरी छोड़ दो इंसान तो है ना कोई अपनी मर्जी से अगर इस प्रोफेशन में नहीं आता है तो हम कौन होते हैं जज जोरी बन के उनके ऊपर वर्डिक डालने वाले घर के अंदर जब मेहमान सारे आते हैं ना बड़े ओकेजन में और छोटी मोटी सी चीज़ की चोरी भी हो जाए तो तुरंत सबसे पहला डाउट जाता है काम वाले नौकरों पर क्योंकि हमारी मैंटालिटी वैसी है तो इनको लेकर तो हमारी मैंटालिटी सोसाइटी की कैसी है बताने की ज़रूरत भी नहीं है मैं बहुत प्रजोड़ेस है और इसी वजह से हम इनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पाते और ये जो भी चीज़ें मैंने कही है इसमें लीगल सिस्टम कहीं ना कहीं खुद कह रही है कि डिग्निटी दो मैं किसी भी तरह के प्रॉस्टिट्यूशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और कंसल्टिंग एडल्ट तो वैसे भी सेक्शुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं तो मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर बात यह आती है कि जिनको ज़बरदस्ती इस प्रोफेशन में डाला जाता है उनको एक डिग्निफाइड लाइट का हक खुद सुप्रीम कोर्ट ने और जो तीनों जस्टिस के मैंने नाम लिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर आपको गूगल करना हो और लाइब्रेरी में जाने की आलस हो रही हो तो वरना अपना कानून करके गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है जो आपको कानूनी सारे केसेस उनके वर्डिक्स उनके रिपोर्ट्स देती है जिसके अंदर एल नागेश्वर राव जस्टिस बोपन्ना एंड जस्टिस गवई की डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन और उनके वर्डिक्स मिल जाएंगे June 8, 2022, 1999, case of uh, Budhadas uh, Kar Karmaskar was in the state of Bengal. Seventeen September, 9.15 pm, the murder was com committed. With details. Let me come to the data first. Uh, in India, how big is the problem? So... Uh, काफी लोगों को ऐसा प, मतलब पता भी नहीं होगा कि कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है लेकिन डेटा पता चलेगा तो शायद अपने जो रिसर्च पेपर जो लिखा है उसमें से ही जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो मैं कहूँगा अभी ओके सो इन इंडिया क्लोज टू थ्री मिलियन वुमेन वर्क एज प्रॉन्स्टिट्यूट ऑफ विच वन मिलियन आप बिलो एटीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन डिसंबर टू थाउजेंड आज द गवर्नमेंट इफ़ यू आर नॉट एबल टू कर्ब इट बाई लॉस देन लीगलाइज इट सुप्रीम कोर्ट एडेड दैट लीगलाइजिंग प्रॉन्स्टिट्यूशन वुड हेल्प Monitor the trade and rehabilitate sex workers. The red light district in Bombay generates at least $400 million a year in revenue. It has increased. Yeah, so with 100,000 prostitutes servicing men 365 days a year, averaging six customers a day at $2 each. About 5,000 to 7,000 Nepalese girls are trafficked to India every single day. There are more than 100,000 women in prostitution in Bombay, Asia's largest sex industry center. Sonagachi in Kolkata, Kamathipura in Mumbai, GB Road in New Delhi, Rishampura in Gwalior, Budhwa Pate in Pune host thousands of sex workers and are the famous red light centers in India. Mumbai and Kolkata have the country's largest brothel based sex industry with over 100,000 sex workers in Mumbai. A major part of this industry is controlled by underworld mafias, dalal, middleman, agent, corrupted police, etc. This is because of no legal acceptance of this profession the more you try to put down prostitution the higher will be the incidence of crime against innocent women the consequences of prostitution are venereal diseases such as aids vaginal herpes gonia, etc lead to drug and alcohol addictions precipita precipitates mental weakness social rejection violation of the law unwanted pregnancies and broken families so hmm. please sir, address how big is the problem in india is currently facing it's not just a big problem in india in other countries where it is not legalized

वरना अपनी मर्जी से सेक्स करने वाले तो हर एक इंडिविजुअल होते हैं एक एज ग्रुप के बाद वो अपनी डिसीजंस लेते हैं चॉइस होती है उनकी सो इफ़ आई डोंट गो डीप इंट वो दैट दैट्स अ पर्सनल चॉइस बट जो लोग अपनी पर्सनल चॉइस की वजह से नहीं लेकिन ज़बरदस्ती अपने आप को सर्वाइव करने की वजह से क्योंकि मिडिल मैन जैसे होते हैं इनके ब्रोकर जैसे होते हैं कई सारी लड़कियों को जैसे मैंने कहा कि किडनैप कर दिया होता है और उनकी फ़ैमिली को सपोर्ट करने के लिए कई सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो बहुत गरीब वर्ग से आती हैं शहरों में आती हैं ये सोचती है कि डिग्निफाइड जॉब मिल जाएगा तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगी क्योंकि फिनांशियल कंडीशन घर की भी अच्छी नहीं होती है कभी कभार फादर फिगर ही नहीं होता है अर्निंग मेम्बर ही नहीं होता है तब वो मिडल मैन ज़्यादा पैसे खा जाता है उनकी फैमिली को पैसे वैसे भी नहीं पहुँचते और ये अपनी बॉडी का ट्रेड कर रही है पैसों के लिए जो उसकी फैमिली तक पहुँच भी नहीं रहे इसमें अगर प्रेग्नेंसी हो गई तो फिर अबॉर्शन होते हैं कई कभार अनवान्टेड प्रेग्नेंसीज की वजह से कई बार मल्टीपल अबॉर्शन होते हैं क्योंकि नेचुरली आपकी बॉडी आपको कमा कर दे रही है इस वजह से उनके हेल्थ कॉम्प्लिकेशन और बढ़ते हैं एंड अगेन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इज़ द बिगेस्ट थिंग क्योंकि इसको रेगुलराइज नहीं किया जाता तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुँह छुपा कर जाते हैं पर जाते हैं आप hmm. ये कह रहे हैं कि प्रोस्टिट्यूशन है तो गलत चीज़ें हो रही है लेकिन उनके कस्टमर की वजह से भी तो प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा मिल रहा है ना ताली एक हाथ से तो नहीं बज रही एग्जैक्टली exactly. राइट right. तो समाज के बड़े भद्र वर्ग के लोग ऐसे हैं कि जो वहाँ पर जाना तो पसंद करते हैं पर अपना नाम दिखाना नहीं पसंद करते हैं वो इनको अभद्र और अश्लील मानते हैं ये भी बड़ी अजीब बात है ये इसीलिए इसको कुछ ना कुछ रेगुलराइज करना ज़रूरी है ताकि और कोई लड़की छोटी उम्र में सोलह साल से भी कम उम्र तेरह साल की उम्र ट्रैफिकिंग ना हो नेपाल से होता है नॉर्थ ईस्टर्न साइड से होता है रिहेबिलिटेट करने की बात होती है उसके चक्कर में इनके साथ पहले तो तुरंत इस प्रोफेशन में नहीं जाती रेप्स होते हैं गैंग रेप्स होते हैं उसके बाद इनको ब्रॉथल में बेच दिया जाता है वो अपनी जगह से एकदम दूर होती है ब्रोथल क्या है इट्स अ प्लेस वेयर जनरली दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर डन सेक्शुअल ट्रेड ओके ओके सो इफ देर इज सम काइंड ऑफ रेगुलरेशन इन दिस अगेन इट इज़ अबाउट रेगुलरेशन रेगुलरेट करने की बात है तो काफ़ी सारी चीज़ों को रोका जा सकता है इस चीज़ के अंदर लोगों को ज़बरदस्ती धक्का मारने वाले लोगों पर कंट्रोल लाया जा सकता है किडनैपिंग करने वाले अंडरवर्ल्ड के लोग माफिया लोग इन सब का इन्वॉलमेंट इस पर कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है सो दैट इज़ इट नीड्स टू बी रेगुलेटेड ये कोई गलत चीज़ को बढ़ावा देने की बात नहीं हो रही पर गलत चीज़ को जितना हो सके कम करने के लिए ये चीज़ करने की ज़रूरत है ओके एंड लेट्स टॉक अबाउट वुमेन सिक्योरिटी अगर लड़कियाँ भी खुद की डिफेंस या फिर सेल्फ डिफेंस वगैरह सीख तो भी ये कम हो सकता think, है थिंक बड़ा आसान है बोलना चीजें मूवी में देखनी अच्छी लगती है सेल्फ डिफेंस के लिए एक तो मूवी ने आधी चीज़ों को कचरा कर रखा है रियलिटी इज वे डिफरेंट तुम्हारे सर पे मैं बंदूक ताक के बैठ जाओ बोलो कि चुपचाप बैठ जाओ तो बैठ जाओगे ताकत मेरे हाथ में कितने भी तुम्हें अच्छे कराटे हैं ना कुंफू आता हो कुछ कर नहीं पाओगे तो क्योंकि बस मुझे ट्रिगर दबाना है दोस्त राइट यू नीड टू लर्न सेल्फ डिफेंस ऑफकोर्स लड़कियों को कराटे और लड़कों को पराठे बनाने आने चाहिए बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर सिचुएशन में वो एप्लीकेबल होता है इट्स वेरी सब्जेक्टिव सिंपल सी बात है सेल्फ डिफेंस सीखना ज़रूरी है टू ऑल पेरेंट्स लड़के और लड़कियों दोनों के लिए और लड़कों को पराठे बनाने सीखने जरूरी है बट द पॉइंट इज फिर भी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है और वह तब होगा कि जब आप एक सेफ इन्वायरमेंट खड़ा करें और उसके लिए अगेन अपब्रिंगिंग मैटर करती है आप लड़कियों को ये मत सिखाए कि उन्हें कैसे कपड़े पहनने आप लड़कों को ये सिखाए कि वो लड़की ने कैसे भी कपड़े पहने उनको किस नज़रिए से देखना है हमारी कंट्री की जियोग्राफी बहुत वेरिड है आज कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर शायद मेरी खुद की शादी वादी नहीं हुई गर्लफ्रेंड होती है बेटी होती और अगर सड़कों पर शॉर्ट क्लोथ्स पहन के जा रही हो तो मुझे भी डर लगता है ऐसा नहीं कि मुझे उस लड़की पर भरोसा नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड पर या यू you नो know, अगर मेरी बेटी होती तो उस पर भरोसा नहीं होगा मेरी अपब्रिंग पर मुझे पूरा भरोसा है अगर होती तो बट द पॉइंट इज़ अगर वो सड़कों पर किसी तरह जा रही है शॉर्ट कपड़े पहन के जा रही है पर मुझे दूसरों की नज़र पर भरोसा नहीं है मुझे उसकी सेफ्टी के लिए मैं कंजर्वेटिव नहीं हूँ तो भी डर जाऊँगा और बन जाऊंगा और कुछ इन्वायरमेंट में कुछ कंट्रीज़ के अंदर इतनी मॉरल अपब्रिंगिंग होती है तो मैं भी कैजुअली सोचूंगा ठीक है चलो ना कोई बात नहीं इट्स अ कैजुअल थिंग तो वो अपब्रिंग मैटर करती है और वो अपब्रिंग हमारे अंदर बहुत कम है हमारी कंट्री के अंदर मेजर पॉपुलेशन ऐसी है जो मेट्रो सिटी या मेगा सिटी में अब अब कहीं जाकर थोड़ी बदल रही है वरना अभी भी हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजुडियस और दुख की बात यह है कि औरतें खुद औरतों की बड़ी दुश्मन है कंजरवेटिजम की वजह से हाउ हाउ आपकी सांसू माँ आपको शायद उस तरह ट्रीट ना करें कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट में ठीक है जैसे आपकी मॉम आपको कर रही होगी एग्जैक्टली सो बीग वेरी ट्रू एटलीस्ट बींग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा लाइक hmm. नेचर like, यह है कि जो है मुझे जो सही लगता है मुँह पे बोलता हूँ सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम आज भी अगर आप काफ़ी सारे ऐसी जगह पर देख लो जहाँ वर्ना किला बैकग्राउंड है बहुत कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल बैकग्राउंड है इंडिया के अंदर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं वहाँ पर एक एक माँ अपने बेटे को बहुत छूट देती है उसके गलत कामों को ढक भी देती है कुछ बोलती नहीं है कभी कभार थोड़ा बहुत आर्ग्यू कर लेती है लेकिन पति पेटीआर की अगेन वो दबा देगा उसका विरोध नहीं कर पा रही है पर अपनी बेटे को हर चीज़ में बता रही है कि क्या करना क्या नहीं करना कैसे कपड़े पहनना कहाँ निकलना क्या नहीं वो करना द प्रॉब्लम इज़ अपब्रिंग में ही फॉल्ट आ गया है औरतों को औरतों को ये बताना कि कैसे रहना है इससे अच्छा अपने लड़कों को ये सिखाए कि कैसे बढ़ना है कैसे बड़ा होना है औरतों की इज़्ज़त करनी तहजीब तमीज़ और कुछ बेसिक कर्टिस हमारी कंट्री के अंदर नहीं है वो भी आनी चाहिए किसी के बेडरूम में धड़ल्ले से घुस जाते हैं अपनी फैमिली वाले नॉक करके जाओ ये छोटे छोटे बेसिक संस्कार छोटी छोटी, छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं थैंक यू और प्लीज़ बोलो उसमें क्या गलत है अप्रिशिएट एवरीबडी हम छोटी छोटी चीज़ों को मायने ही नहीं रखते हम वो लोग हैं जो अपने लाइक हमारी कंट्री के अंदर पान की पिचकारी मारना या जिस इस दीवार पे थूकना माना है वहीं पर सबसे पहले लाल रंग लाल देंगे बाथरूम में बड़ी अच्छी सी ग्राफिटी बना देंगे रेलवे लाइन की या फिर अपने ही मॉन्यूमेंट्स वगैरह होंगे उस पर लिखा होगा राजा लफ्ज रानी राइट हम किसी भी पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे तो हम कचरा फेंक देंगे हमें इन चीजों की शर्म नहीं है यू नो यूरिनेशन करने में दीवार के सामने बस आड़े हो जाओ खुली सड़क पर लोग करते हैं

बनाने की जरूरत है हमें एक स्ट्रांग फाउंडेशन मोरलिटी का तैयार करने की ज़रूरत है जो नहीं है इसीलिए ऐसा होता है आप सक्सेसफुल ऑन्टरप्रिनर बने ना बने आप सक्सेसफुल एम्प्लॉय बने ना बने आप सक्सेसफुल यू नो पॉलिटिशियन बने ना बने मैटर नहीं करता एक एक एथिकल सिटीजन बनना एक मॉरल पर्सन बनना बहुत ज़रूरी है दूसरी कंट्री के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा आपको देखने मिलेगी नैतिकता बहुत होती है hmm. अपने देश के प्रति जागरूकता आपको ज़्यादा देखने मिलती है काफ़ी सारी कंट्री में गलत चीज़ों का क्रिटिसिज्म खुद का फैमिली मेंबर कर रहा हो तो भी लोग बाहर आके बोलते हैं उस चीज़ को ऐसा है एंड वी आर वेरी फ्लेक्सिबल इन दैट एंड यू टू से अबाउट लेबलिंग एंड ऑल दैट अभी ऐसा देखा गया है कि कोई भी रिलेशनशिप को लेबल किया जाता है हाँ हर चीज़ का डेफिनेशन चाहिए बड़ी उम्र की लड़की छोटी उम्र के लड़के से शादी करती है तो अपनी माँ की उम्र की लड़की से शादी कर ली है अब बड़ी उम्र का बंदा अगर छोटी उम्र की लड़की से शादी करता है तो परवट है हु आर वी टू डिसाइड किसी का पर्सनल यूनियन पब्लिक सिंह कैसे हो सकता है कोई कम इंटर कास्ट मैरिज हो रही है इंटर रेस मैरिज हो रही है इंटर क्या कहते हैं कि रिलीजन मैरिज हो रही है जब तक वो सोसाइटी को बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं करती हम कौन होते हैं जगत जमादार बनने वाले वो उनकी पर्सनल चॉइस है प्रॉब्लम ये कि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को लेकर इसी चीज़ को लेकर नहीं लेबलिंग की बात करें तो लेबलिंग सिर्फ रिलेशनशिप और मैरिज की बात नहीं है प्रोफेशन को लेकर या काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर भी जो इनजस्टिस होता है मैं हमेशा कई लोगों को कहता हूँ डोंट रिस्पेक्ट मी आप बोलेंगे ये तो बड़ी गलत बात होगी ना रिस्पेक्ट करना तो सही होता है नहीं डोंट रिस्पेक्ट मी क्योंकि जब आप मुझे रेस्पेक्ट कर रहे तो आपके दिमाग में मेरी एक इमेज बनी हुई है उस वजह से आप मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपकी इमेज का हंड्रेड शायद मैं नहीं हूँ मेरे ओपिनियन अलग हो सकते हैं मेरी पर्सनल लाइफ अलग हो सकती है आप मुझे जितनी टाइम कैटेगरी में टाइम फ्रेम में देख रहे हैं उसके बाहर की जिंदगी में शायद मैं कुछ और बर्ताव भी करता हूँ क्योंकि मैं भी इंसान हूँ मेरी कमज़ोरियाँ हैं मेरी वीकनेसेस हैं मुझे भी टेम्पटेशन हो, हो सकती है मेरी मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं और शायद आपको उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है और कभी आपकी विचारधारा से विपरीत में हरकत करते आपको दिख जाऊँ कहीं पर तो आपको दुख होता है कि हमने तो इनको ऐसा नहीं सोचा था पर आपने एक लेबल बना लिया था रिस्पेक्ट वाला Hmm. मेरे प्रोफेशन के साथ मुझे जोड़ दिया था अगर मैं टीचर हो तो अगर मैं डॉक्टर हो तो मेरे डॉक्टर के प्रोफेशन के साथ जोड़ दिया था कि डॉक्टर सिगरेट फी फूक रहा है और यू नो पान की पिचकारी मार रहा है तंबाकू खा रहा है और मसालेदार चीज़ें खा रहा है खा सकता है यू डोंट नो हालांकि सिगरेट स्मोकिंग एल्कोहल कंजप्शन ड्रग्स के मैं टोटली खिलाफ हूँ बट यू कैन नॉट जज अ पर्सन बाय देर एडिक्शन यू कैन ऑलवेज क्रिटिसाइज़ अ बैड एडिक्शन एडिक्शन किसी को किस सिचुएशन में हो वो ये हम नहीं जानते तो उनको जज करने के बदले उन एडिक्शन को जज करो ठीक है उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करो बट स्टिल तो आप ऐसे केसेस देखते हैं कोई सेलिब्रिटी है वो अपना ओपिनियन रखता है तो हम जज करने लगते हैं पहले हम उनको रेस्पेक्ट करते थे अचानक हमारे मनपसंद पॉलिटिशियन के खिलाफ बोल दिया तो दिल पे लगाई सो द पॉइंट इज दिस ये लेबलिंग गलत है क्योंकि आप जब किसी को लेबल करते हैं तो आपने अपनी सोच के हिसाब से उनका एक ढांचा तैयार कर लिया और उस ढांचे में शायद परफेक्टली फिट नहीं होते हैं और जो हर इंसान की अपनी कमजोरियां खामियां होती है पब्लिक फिगर की भी हो सकती है आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बींग कोई कितना नाटक कर सकता है अच्छा बनने का कोई हंड्रेड परसेंट तो भगवान है ही नहीं अगर हम सच में भगवान होते तो हम यहां क्या कर रहे हैं एवरीबडी इज फ्लॉड कुछ चीजों में तो भगवान भी शायद सक्सेसफुल नहीं रहे होंगे ना इसीलिए तो दुर्योधन को कृष्ण भगवान नहीं समझा पाए इवन गॉड गिवज अप राइट सो द पॉइंट इज तो हमें किसी को जज करना या किसी का इमेज या एक रिस्पेक्टेबल इमेज बनाकर जबरदस्ती उनके मत्थे मार देना और फिर डिसअपॉइंट होकर उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देना इससे अच्छा है कि लेबलिंग ना करें hmm. हर चीज का ट्यूनिंग या इसका जवाब ये होना चाहिए ये रिलेशनशिप का एक टाइटल होना चाहिए वो गलत है और दूसरी एक प्रॉब्लम है कि हम काफी सारी यूजुअल चीजों को नॉर्मल समझने लग गए लाइक like. अब यूजुअल का मतलब ये होता है आई एम अ लेफ्ट हैंडर बट आई कैन राइट विथ बोथ हैंड्स आई वॉस बॉर्न लेफ्ट हैंडर बट मैं मिरर इमेज लिखता था आई राइट विथ राइट हैंड इन द दपोजिट अब ये मैं इसीलिए समझ सकता हूँ बट लेफ्ट हैंडर कितने मिलेंगे आपको या एमबी डस्ट्रेस कितने मिलेंगे बहुत कम बहुत कम हुँ. तो आपका कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंडर सब अब नॉर्मल है क्योंकि ज़्यादातर तो राइट right हैंडर मिलते हैं हमें हुँ. इनको डेविल हैंड कहा जाता था ना नहीं लेफ्ट हैंडर यूजुअल नहीं है लेफ्ट हैंडर ज्यादा नहीं मिलते पर नॉर्मल वो पैदा हुए भगवान उनको ऐसा बनाया दे आर नॉर्मल इट सेल्फ दे आर नॉट यूजल ये ज्यादा नंबर में नहीं देखने मिलते सो इफ अ पर्सन इज बॉर्न लेफ्ट हैंडर द द पर्सन मे बी रेयर बट द पर्सन इज स्टिल नॉर्मल एंड अ पर्सन इज बॉर्न राइट हैंडर कैन स्टिल भी नॉर्मल अ पर्सन हु मे बी हेट्रोसेक्शुअल और बाई सेक्शुअल स्टिल में बी नॉर्मल बिकॉज गॉड और नेचर वॉट एवर इट्स नॉट देयर चॉइस लव इज़ ऑल्सो नॉट अ चॉइस यू कैंट चूज टू लव समिंग राइट कोई पैरामीटर हम नहीं रख सकते इफ यू कुड लव समबडी यू कुड लव योर नेबरिंग कंट्री इफ यू लव सम यू कुड इजिली लव समबडी आप अपने आप से किसी से चीज़ से प्यार कर सकते तो काफ़ी सारे पढ़ाई के सब्जेक्ट से आप प्यार कर लेते स्पेशली मैथामेटिक्स राइट कई लोगों को तो नाइटमेयर लगता है वो अगर आप किसी भी चीज़ से प्यार कर सकते तो हर हालात से प्यार कर लेते प्यार अपने आप होता है नेचर है तो नेचर होता है कि नेचर की वजह से कोई लेफ्ट हैंडर है नेचर की वजह से किसी के सेक्सुअलिटी कुछ है नेचर की वजह से किसी को किसी से प्यार हो गया तो हमारी ये प्रॉब्लम भी है कि हम जो नॉर्मल चीज़ है उसको यूजुअल और यूजुअल चीज़ को नॉर्मल में कंफ्यूज कर रहे हैं hmm. ये नॉर्मल नहीं है कि कोई बड़ी उम्र की लड़की एक छोटी उम्र के लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती नहीं ये यूजुअल नहीं है पर नॉर्मल है वो भी प्यार है ये नॉर्मल नहीं है कि एक एक, एक इंडियन सेलिब्रिटी एक्ट्रेस है वो किसी फॉरन सेलिब्रिटी है यू नो सिंगर है जो इंटर रेस मैरिज है वो उससे दस साल बड़ी और शादी नहीं कर आई एम नॉट टेकिंग नेम्स जस्ट फॉर द रीजन मैं चाहूँ तो ले लू बट बट तो आई नॉट शी इज़ टेन ईयर्स ओल्डर तो क्या हुआ शी इज़ अ हिंदू इज अ क्रिश्चन तो क्या हुआ वो यूजअल नहीं हो सकता पर है तो नॉर्मली प्यार है प्यार एक नॉर्मल फीलिंग है राइट hmm. किसी को दूसरे रिलीजन के दूसरे रिलीजन वाले पर्सन से शादी करनी हो तो एक बहुत जाने माने सेलिब्रिटी एक्टर हैं उनकी हैप्पली मैरिड लाइफ है ही है Yeah. कुछ केसेस में पति बड़ी उम्र के हैं पत्नी छोटी उम्र की के, कुछ केसेस में पत्नी बड़ी उम्र की पति छोटी उम्र के इंटर कास्ट भी है तो कभी इंटर रिलीजन भी है सो ऑन काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे सेलिब्रिटी फील्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ किसी एक की नहीं कर रहा हूँ तो पॉइंटेस्ट तो हम जो चीज़ें हमें रेगुलरली देखने ही मिलती है वो हमें नॉर्मल नहीं लगती प्रॉब्लम है कि वो आपको रेगुलरली देखने नहीं मिलती इसका मतलब ये नहीं कि वो अब नॉर्मल है वो नेचर का हिस्सा नहीं है बस वो यूजुअल नहीं है वो फ्रीक्वेंट नहीं इसलिए आप आपके यूजुअल ढांचे को नॉर्मल मान के चल रहे हो गलत है जैसे इसके पीछे भी जोग्राफी सोसाइटी अपब्रिंगिंग कल्चर बहुत सारी चीज़ें काफ़ी सारे पैरामीटर्स काम कर जाते हैं hmm. ठीक है इंडिया के बाहर लेट्स कुछ पिज्जा आउटलेट होंगे वहाँ पर नॉनवेज ज़्यादा बिकता होगा नॉर्मल पिग मीट चिकन एंड ऑल उन सोसाइटी में नॉनवेज खाया जाता है इंडिया के अंदर कुछ रीजन्स में शायद वो बिके ही नहीं खास करके जहाँ पर टेम्पल वगैरह हो बड़े बड़े ना you know, तीर्थ यात्रा के प्लेसेस में तो दुकान खोले तो दुकान को आग लगा दे लोग शायद क्योंकि hmm. वो एक्सपेक्टेड नहीं है तो कल्चरल रीजनल डिफरेंसेस की वजह से भी पर दूसरी कंट्री में जो नॉर्मल है वो आपकी कंट्री में नॉर्मल नहीं होगा तो हु इज़ जजिंग इन वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज रॉन्ग ये जज हम कैसे कर सकते हैं कि ये सही और ये गलत है जो चीज़ आपको सही लग रही होगी शायद उसको सही नहीं लग रही एक जोग्राफी को एक कंट्री को एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जो सही लग रहा है वो दूसरे को ना लग रहा हो रशिया सोशलिज्म में चला गया था अमेरिका कैपिटलिज्म में चला गया था हमने मिक्स्ड इकोनॉमी बाद में अपनाई हर एक की अपनी अपनी अप्रोच और स्ट्रैटेजी होती है यू कैन नेवर जट समी यू कैन ओनली अंडरस्टैंड कैन चेंज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सोशल आइडियोलॉजी थिंकिंग वरना एक टाइम पर तो औरतों को जिंदा जलाना भी हम सही मानते थे ना नो सर स्टांसेज सिटुएशन और बैकग्राउंड की वजह से डिफर करता ऐसा है okay. uh, ज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन कपल्स हु प्रीफर एडोप्टिंग अ चाइल्ड रेदर देन हैविंग अ बेबी दैट्स देयर चॉइस हुई टू सेनी थिंग उनकी मर्जी है एज आई सेड हम नहीं जानते किसको क्या करना है उसके पीछे वजह क्या है उनके सर्कम्स्टांसिस क्या है इफ़ समबडी डज वॉन्ट टू हैव अ चाइल्ड थ्रू रेगुलर चाइल्ड बर्थ इवन इफ दे आर केपेबल ऑन नॉट दैट्स देयर चॉइस हम किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों करें जब तक कि उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से हमारी सोशल लाइफ पर इम्पैक्ट ना आता कौन कैसे शादी करना चाहता है कौन बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है कौन बच्चा अडॉप्ट नहीं करना चाहता है कौन बच्चा चाहता ही नहीं है वो उनकी चॉइस है राइट right? लेकिन वो कहते हैं ऐसा कि सही ये है ये नहीं हो रहा पर मतलब वही तो मैं बता रहा हूँ सही और गलत का पैरामीटर कौन डिसाइड करेगा सबके लिए सही और गलत की डेफिनेशन हर एक के हिसाब से अलग होती है हमारी कंट्री के अंदर इतनी इंटीग्रिटी ऑफ़ रिलीजन है एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर अनियन एंड गार्लिक खाना गलत माना जाता है एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर अन्य गार्लिक के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें गलत मानी जाती है एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर वो हिंदू ब्रांच में आता है लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट उसमें नॉनवेज खाने को उतना ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल नहीं माना जाता एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर नॉनवेज इज़ अ बेसिक थिंग तो जब हमारे खुद के एक ब्रांच ऑफ रिलीजन के अंदर भी इतनी सारी वेरिएशन है और मैं शायद ये कहता हूं हमारी कंट्री खूबसूरत इसलिए कि शायद हमारी प्रीचिंग हैबिट्स में भी डेमोक्रेसी पहले से थी आपको औरतों की पूजा करनी आप करिए देवियां हैं आपको देवताओं की पूजा करनी आप देवता हैं आप ऐसे प्राकृतिक सिंबोलिज्म की पूजा करना चाहते तो हमारे काफी सारे देव ऐसे हैं कि जो तो हमारी कंट्री तो एक्चुअली बहुत डेमोक्रेटिक थी पहले से थॉट प्रोसेस में मेरा मानना है इंडिया में स्पिरिचुअलिटी नहीं है स्परिचुअलिटी की वजह से इंडिया बना है द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट अवर कंट्रीज तो ये तो हम पहले से सीखते हैं कि वी शुड नेवर जज समबडी हर एक का अपना ओपिनियन अपनी प्रेफ्रेंस और उनकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से इनको जिनकी पूजा पाठ करनी जो पसंद करना जो करियर चूज करना मिलता है तो लाइफ में भी यही सारी चीज़ है कि जब ब्रांच ऑफ रिलीजन के अंदर भी इतनी वैरायटी है उतनी चॉइसेस दी गई है कि आप ये चाहें तो ये करिए वो चाहें तो वो करिए आप इस तरह पूजा करना चाहें तो ये करें तो फिर अगेन लाइफ के अंदर इन सारी चीज़ों के जजमेंट और पैरामीटर लाने वाले हम कौन होते हैं क्योंकि ये सब्जेक्टिव है कि क्या सही क्या गलत है कुछ चीज़ें कुछ जगह पर सही हो सकती है कुछ चीज़ें कुछ जगह पर गलत हो सकती है अगेन आई एम सेइंग सोशल इम्पैक्ट कितना पड़ता है खून करना क्राइम है वो हर एक सोसाइटी में क्राइम है पर आर्मी की बॉर्डर में खड़ा हुआ एक सैनिक अपने दुश्मन को मार रहा है अपने देश की रक्षा के लिए उसे आप खून करार नहीं कर सकते तो डेफिनेशन भी बदल जाती है सिचुएशन के हिसाब से एज लॉन्ग एज जब तक किसी इंसान की निजी जिंदगी की वजह से आपकी आपके समाज में कोई बड़ी इम्पैक्ट नहीं होती असर नहीं होता है आप जज नहीं कर सकते आप इस पर यह मुद्दा आता है कि तो जो लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं वो कौन होते हैं काफ़ी सारे लोग जैसे अब मैंने जो जिंदा जलाने वाली बात की थी उसको समझाता हूँ राजा राम मोहन रॉय थे सती सिस्टम के खिलाफ उन्होंने बोला आज मुझे नहीं लगता कि कोई बोलेगा सती सिस्टम सही था राइट बट जब राजा राम मोहन रॉय ने यह प्रमोट करना शुरू किया कि विधवाओं का विवाह होने चाहिए सत सिस्टम अबॉलिश होने चाहिए तो उस वक्त वो समाज उनको एक क्या कहते हैं समाज का द्रोही मानता था समाज की प्रथा को खंडन करने वाला या भ्रष्ट करने वाले मानते थे तो क्या राजा राम मोहन रॉय गलत थे नहीं थे hmm. समाज की सोच काफी जनरेशन से मेंटल कंडीशनिंग ऐसी थी कि उनको लगता था कि नहीं ये हमारी प्रथा और ये करना चाहिए ज्योतिबा फुले ने जब अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाकर एक शिक्षिका बनाया तो काफी सारे समाज के लोग विरोध में थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी या महात्मा गांधी जी जब नारी शिक्षण के बारे में प्रमोट करते थे राइट उस समाज में उस वक्त उनका विरोध हो रहा था प्रॉब्लम यह आज के समाज में ये बात एक्सेप्टेबल नहीं होगी पर किसी ने वो शुरुआत की तो उनका विरोध करने वाले कौन थे समाज के ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी जगह पर जिनको बदलाव से डर लगता है उनको लगता है कि हमारे पुरानी रूढ़ियां बदल जाएंगी तो हमारा इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा ये मेरे घर पे इंपैक्ट आएगा एग्जांपल जब पहली बार किसी ने इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज की कोशिश की होगी तो काफी सारे लोग जिनके बच्चों ने शादी नहीं की होगी मेरे पड़ोसी के लड़के लड़की ने कर लिया शायद इंटरकास्ट मैरिज पर मैं अपने घर में उसे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ मैं क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरे बच्चे बड़े होंगे और वो भी इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो इसका इंपैक्ट मेरी फैमिली में आएगा वो प्योरिटी ऑफ ब्लड में यू नो खानदान की नाक सुपरफेशी कट जाना वगैरह सारी चीज़ें तो क्योंकि मेरे घर तक वो इम्पैक्ट ना है रिपल इफेक्ट ना है इसलिए उसको शुरू होने से पहले मैं क्रिटिसाइज़ करके रोक दूँ ये साइकोलॉजिकल डर की वजह से काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश करते थे Hmm. आज के टाइम में जिनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो रही है इंटरकास्ट मैरिज इंटर, इंटर रिलीजन मैरिज बच्चा रखो ना रखो पर यू नो कई लोगों को डर लगता है इन लोगों ने मैनो बच्चा अडॉप्ट कर लिया तो मेरे घर में भी बच्चा अडॉप्ट करने की बात आएगी कंजर्वेटिव मेंटालिटी तो उनको डर लगता है कि मेरे घर में मेरे बेटे या बेटी भी बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे और फिर पता नहीं किससे अडॉप्ट करेंगे उनकी रिलीजन क्या होगी उनकी कम्युनिटी क्या होगी बैकग्राउंड क्या होगा दे आर वरीड अबाउट समथिंग दैट दे डोंट नो प्रॉब्लम इज वी आर ऑल गोइंग टू डाई और मरने के बाद हमें नहीं पता कि हमारी कास्ट कम्युनिटी क्रीड क्या होगी और अगर हम पुनर्जन्म में मानते हैं तो इतना तो डिसाइडेड है कि भाई मरने के बाद हम कीड़े भी बन सकते हैं और मकोड़े भी बन सकते हैं तो फिर किस बात का डर है राइट लेट्स कम इन टू लाइक रिलेशनशिप्स ऑल दैट अकॉर्डिंग टू यू लाइक वॉट इज लव अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट इन तीनों में क्या डिफरेंस है अटैचमेंट एक, is, example, एक example भी देखूँ ना तो एक माँ और बेटे का भी एक एग्ज़ाम्पल देख उनके हाँ। बीच में जो लव है लेकिन कई बार क्या होता है कि माँ को ये पसंद नहीं आता कि बच्चा उनसे दूर जाए तो ये अटैचमेंट है कि लव है उनके भलाई के लिए मतलब बेटा बाहर जाके फॉरेन जाके स्टडी करेगा तो वो सही है बेटे बेटे के लिए लेकिन माँ ये नहीं चाहती वो आई थिंक वे अटैचमेंट है आप उनको अच्छे से डिफरेंस कर अटैचमेंट इज़ बाई प्रोडक्ट ऑफ लव काफ़ी सारी चीज़ें अलग इंटीग्रेटेड होती है ये इंडिविजुअल नहीं होती हैं उसका प्रोपोर्शन थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है और हर एक चीज़ की एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी होती है जैसे माँ और बेटे का प्यार अलग हो सकता है पिता और बेटे का प्यार अलग हो सकता है बेटी और पिताजी का, का प्यार अलग हो सकता है थोड़ा किस तरह से हम किसी चीज़ को रेसप्रोकेट करते हो उस हिसाब से होता है एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार अलग हो सकता है पति पत्नी का अलग हो सकता है उसमें बट इफ़ आई डिफाइन लव इट्स नॉट जस्ट अ फोर लेटर वर्ड इट्स वेरी असेंस ऑफ लाइफ इफ़ यू कैन लव दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग पॉसिबल इज द मोस्ट नेचुरल फीलिंग प्रॉब्लम इज के हम लव को बहुत ज़्यादा यू you नो know, उससे हम संघर्ष कर रहे होते हैं वी ट्राई टू रेजिस्ट इट अ लॉट एंड फॉर एन एग्जाम्पल लाइक हम कई बार काफ़ी सारी चीज़ों में जैसे ये इट्स ईजी टू हेट पीपल पीपल बहुत आसानी से हिट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि अगेन हेट कैन बी क्रिएटेड लव कैनॉट बी क्रिएटेड फॉर एटलीस्ट अपोजिट जेंडर कुछ इन्वायरमेंट में आप कुछ लोगों के लिए आपका बाई डिफ़ॉल्ट लव आता है जैसे यू कैन नेचुरली लव योर पेरेंट्स नेचुरली लव योर सिबलिंग्स ओके बट यू कैन नॉट नेचुरली लव समबडी यू वॉन्ट टू स्पेंड योर लाइफ विथ वो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है जैसा मैंने कहा कि कुछ चीज़ों का लव आपको बाई डिफ़ॉल्ट मिल जाता है जो इन्वायरमेंट में आप बड़े उसके आपको उसकी आदत है आपके पेरेंट्स की आदत है आपको एक बच्चा घर के अंदर आता है तो सबसे पहले ढूंढता है मम्मी का है मम्मी नहीं मिलती फिर पापा को ढूंढता है और पापा को ढूंढने के बाद पहला सवाल क्या पूछता है मम्मी कहाँ एग्जैक्टली राइट तो उस इन्वायरमेंट के उस अटैचमेंट में हम बड़े हुए हैं पर जो रिलेशनशिप वाला लव है उसकी ट्यूनिंग उसकी फ्रीक्वेंसी टोटली अलग है और वो आपके हाथ में नहीं है आप किससे प्यार करना चाहते हो डिसाइड नहीं कर सकते वरना तो कोई भी इंसान किसी के साथ भी पूरी जिंदगी एडजस्ट कर लेता है ना तो डिवॉर्स होते ही नहीं बस एक बटन दबा दिया और प्यार हो गया प्यार के अंदर एंट्री लेना और प्यार से एग्जिट होना हमारे हाथ के अंदर नहीं है गालिब जी कई सालों पहले सही कह गए थे इश्क पर जोर नहीं है ये वो गालिब जो लगाए ना लगे जो बुझाए ना बुझे आप अपनी मर्जी से भी प्यार नहीं कर पाते हैं आप अपनी मर्जी मर्जी से प्यार से बाहर भी नहीं निकल सकते आपने ये सोचा होता है कि इस तरह का लड़का है इस तरह की लड़की चाहिए ये सारी क्वालिटीज़ और पैरामीटर्स होने चाहिए और जब आप रियलाइज़ करें कि आप किसी के प्यार में पढ़ें तो शायद उसमें से एटी चीज़ें मिल भी नहीं रही हैं You don't realize इट और इसीलिए आप जब भी किसी को जब देखते हैं कि प्यार में पड़ा होता है कुछ सालों के रिलेशनशिप में कुछ महीनों के तब आप पूछते प्यार कब हुआ था उसके पास जवाब नहीं होगा एग्जैक्टली exactly इस टाइम पे इस मोमेंट पे इस कैलेंडर की तारीख में मुझे प्यार हुआ था बिकॉज नाट अकर्ज नेचुरली राइट वो अपने आप हो गया हो गया ठीक है बट ये है कि लव सिर्फ लव नहीं होता नेचुरल फीलिंग को भी एक मेनटेन करना पड़ता है नॉट एवरीथिंग इज कंसिस्टेंट आप किसी को देखते हैं यू गेट अट्रैक्टेड कुछ समय स्पेंड करने के बाद यू माइट रियलाइज कि इनके साथ नहीं जमेगी ट्यूनिंग नहीं है इनका ये नेचर अच्छा नहीं लगता वो नहीं लगता वो अट्रैक्शन था वो लव नहीं था क्योंकि आप फर्स्ट इंप्रेशन पे गए थे बट फर्स्ट इंप्रेशन इज नेवर द लास्ट इंप्रेशन इफ इट डजेंट लास्ट लॉन्ग द इंप्रेशन चेंजेस पीपल चेंज नेचर चेंज सिटुएशन चेंज तो सिंपल सी बात है कि लव हो सकता है आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं वो फीलिंग होती है बट देन उसके बाद अटैचमेंट वहाँ से शुरू होती है जब आपको किसी इंसान की आदत पड़नी शुरू होती है तभी आप देखते हैं कई सारे लोग जिनका ब्रेकअप हो जाता है लव में आने से पहले वो कुछ एक्टिविटीज़ करते थे कुछ क्लब्स में जाते थे कुछ जिम वगैरह जाते थे या जो भी था रिलेशनशिप में थे, तब, थे, भी थे तब।, तब भी वो सारी चीज़ें कर रहे थे साइमल्टेनियसली किसी और इंसान के साथ भी रिलेशनशिप में थे तब जब वो इंसान चला जाता है तब भी वो सारी चीज़ें कंटिन्यू हो सकती है बट उसके बावजूद दे फील एम टी एंड दे फील यू नो सैड उनको कोई कमी और खलन महसूस हो रही है पहले भी वो ओपन माइक इवेंट्स में जाते थे शायद अभी भी जा सकते हैं या जा रहे हैं पहले भी म्यूजिक सुनते थे डिनर के बाद और वॉकिंग करते थे आज भी करें लेकिन फिर भी वो अधूरा महसूस करें ये अटैचमेंट है गेटिंग दिस सो अटैचमेंट भी होती है ह्यूमन बींग फुल ऑफ इमोशन फुल ऑफ इमोशन अगर आपके घर में कोई गली का कुत्ता रोज आ रहा है आप उसे रोज बिस्किट और दूध दे रहे हो तो धीरे धीरे आपको अटैचमेंट हो जाएगी जिस दिन वो नहीं आएगा, आप भी सोचोगे आज क्यों नहीं आया अटैचमेंट से आपकी और ये है कि जितनी आपकी अटैचमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा आपको पेन होगा जब सप्रेशन होगा तो क्या करें अटैच ही ना हो दैट विल बी स्टूपड वी रेजिस्ट दैट हमें से कई सारे लोग प्यार का इकरार करने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि आगे क्या होगा हम आने वाले कल के लिए इतना ज़्यादा फिक्र में बैठे हुए हैं कि हम आज को इन्जॉय नहीं कर पाते इन्जॉय करने का मतलब गलत तरह से नहीं बट चेरिश नहीं कर पाते खबर नहीं एक पल की और बात कर रहे हैं कल की एग्जैक्टली एंड व्हाट यू टू से अबाउट राइट टाइम टू गेट मैरिड और इन टू रिलेशनशिप देर इज़ नो राइट टाइम टू गेट मैरिड और टू बी इन टू रिलेशनशिप द पॉइंट इज इसका मतलब क्योंकि क्योंकि कई बार क्या होता है करियर भी ऐसा चल रहा है अभी मतलब okay. एक अगर एग्जाम्पल ही ले आ, अगर लिया जाए तो एक बंदा जो अभी स्टडी कर रहा है वी इज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल सो क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है एक लड़की की मतलब रिलेशनशिप में जाना चाहिए उस हिसाब से अलॉट ऑफ पीपल मिसअंडरस्टैंड रिलेशनशिप विध लव एंड लव विशनशिप प्यार अलग चीज़ होती है और रिलेशनशिप अलग चीज़ होती है आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं पर शायद आप प्यार में नहीं है अगेन वही मेरे दोस्तों की गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो मेरे भी होने चाहिए वो दिखावा हो सकता है इफ़ समबडी ट्रूली लवज यू अगर कोई आपको सच में प्यार करता है तो आपके लिए इंतजार करने को तैयार और आपको ग्रो करने के लिए सपोर्ट कर रहा है और आप खुद भी उनके लिए ग्रो करना चाहते हैं रिलेशनशिप में समथिंग दैट अभी इस वक्त मुझे इस इंसान के साथ मूवी देखनी है अभी इस वक्त इस इंसान के साथ मुझे बाहर खाना खाना है मुझे टेम्प्ररी मजा चाहिए टाइम पास चाहिए इसलिए मुझे किसी की कंपनी चाहिए लव का मतलब ये कि सॉरी यू नो माइडिया तुम्हें मेरे साथ फ़ोन में बात करनी है लेकिन आज ये चैप्टर पूरा नहीं किया तो कल टेस्टेड टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे तो फिर मैं जिस कंपिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मेरा करियर डामाडोल हो सकता है आई कान टेक रिस्क और वो इंसान का रिप्लाई आई अंडरस्टैंड अब ये लव है क्यों क्योंकि वो एक साल दो साल एक महीने दो महीने नहीं ये वो अपनी पूरी जिंदगी उस इंसान के साथ अभी से इमेजिन कर रहे हैं वो जानते हैं कि ये इंसान ग्रो करेगा तो मैं ग्रो करने वाला या करने वाली हूँ सुंदर पिचाई की पत्नी उनको कॉलेज के दिनों से जानती थी उससे पहले से शायद शी वेटेड कि नहीं कर लो सब जॉब वगैरह सेटल हो जाओ बाद में शादी करेंगे वो पेशेंस थी उनमें ऐसा नहीं था कि देखो दो तीन महीने से तो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो यू नो आई फाउंड अ न्यू वन दैट हैपन दैट्स दैट्स अ रिलेशनशिप दैट्स नॉट लव एनी पर्सन हु लव्स यू विल ग्रो फॉर यू एंड एनी पर्सन हु लव्स यू विल ऑल्सो मेक यू ग्रो यार फोन में बात नहीं कर रहे हो क्यों उन्होंने you टाइम know, नहीं दे रहे हो अभी मिलने आओ ये सब चीज़ें उस उसमें लव नहीं होता है। और आप खुद अपने अंदर का सबसे बेस्ट निकालने की कोशिश करते हो वैन यू आर इन लव द बेस्ट इनसाइड यू कम्स ऑटोमेटिकली सबसे अकड़ू इंसान भी कहीं ना कहीं लोगों से थोड़ा प्यार से बात करने लगता है सबसे बेसुरा गायक भी गाना गा लेता है पता नहीं अचानक से ठीक है चाहे वो सोनू निगम जैसी आवाज़ में गाए या हिमेश रेशमिया वाली या किसी और की भी वो गा लेता है ठीक है गुड कम्स इनसाइड दैम वो और सबसे अच्छी बात प्यार की है क्या आप अपने आप से प्यार करने लगते हो तब पहली बार आईने को ना देखने वाला इंसान भी देखता है शेव कर लिया बाल बाल ढंग से हैं पता नहीं ना हाँ ब्रश किया है कि नहीं बेहोश ना हो जाए राइट सो वेन यू स्टार्ट लविंग समबडी यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ दैट इज़ वाई यू लव लव इट्स नॉट दैट बिकॉज यू लव समी अफकोर्स यू लव समबडी बट यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल् द वे यू आर इतनी छोटी हाइट के बावजूद कोई मुझे प्यार कर सकता है क्या बात है इतनी दुबली बॉडी होने की वजह से भी कोई प्यार कर सकता है यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ दैट इज़ द पावर ऑफ लव इट मेक्स यू एक्सेप्ट यू विथ योर लॉस बिकॉज सम बडी वॉज एबल टू एक्सेप्ट यू विथ योर लॉस एंड दैट पर्सन लिज स्टिक टू यू बट यू नीड टू नर्चर इट पर प्यार हुआ तो प्यार को मेंटेन भी करना पड़ता है चेरिश भी करना पड़ता है सबसे बड़ी बकवासी है फाइंड सम वन लाइक दिस फाइंड समवर लाइक दैट वो फाइंड नहीं कर सकते वो कॉम्प्रोमाइज है प्यार अपने आप होता है जिससे भी हो जाए बट उसको मेंटेन करने के लिए तीन एलिमेंट मेरे हिसाब से होने चाहिए लव में रिस्पेक्ट ट्रस्ट एंड इंडिपेंडेंस रिस्पेक्ट सामने वाला जैसा है उस चीज़ का होना चाहिए उसके इन्वायरमेंट का होना चाहिए उसके थाट प्रोसेस का होना चाहिए आप डिसग्री कर सकते हैं किसने कहा नहीं कर सकते प्यार होने के बावजूद वो झगड़े हो सकते हैं बट एक रिस्पेक्ट होता है कि नहीं चलो इनका ओपिनियन मुझसे अलग हो सकता है ठीक है ट्रस्ट होना चाहिए कहाँ हो किसके साथ जा रहे हो ये बार बार का डाउट इसका मतलब ये है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है और आपके रिलेशनशिप पर भी भरोसा नहीं एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस का मतलब नहीं जहाँ जाना है जाओ नहीं थोड़ी चिंता भी होनी चाहिए कहाँ पहुँचे क्यों लेट हो गया ये सब भी कंसर्न होता है बट इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ तो आपके सामने सच बोलने से मुझे डर ना लगे आपको क्रिटिसाइज़ करने से डरना लगे या फिर एक पर्टिकुलर बिहेवियर करने से मुझे डर न लगे जिसकी वजह से मुझे डर हो कि अगर मैं इस तरह बिहेव करूँ ये चीज़ कहूँ इस चीज़ से डिस अगर करूँ तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा चली जाएगी Hmm. वो इंडिपेंडेंस नहीं है तो मैं क्योंकि नाटक कितने वक्त तक कर सकता हूँ मैं कितनी बार आपके हाँ में हाँ मिला सकता हूँ मुझे इंडिपेंडेंस ही नहीं आपको क्रिटिसाइज करने की आपके चॉइसेस को यू you नो know, मना करनी इसका मतलब मैं डर डर के प्यार कर रहा हूँ मैं इंडिपेंडेंट में सफोकेट हो जाऊँगा और इसकी वजह या तो मैंने खुद आपको मिस अंडरस्टैंड किया है, या फिर आप मुझे वो इन्वायरमेंट नहीं दे रहा इसलिए फियर ऑफ लूजिंग हो आपको भी हो और मुझे भी हो और आप जिस तरह मुझे ट्रीट करो तो उसकी वजह से भी लव के लव में इशू आते हैं लव इज द बिगिनिंग फेज यू नीड टू मेनटेन इट एंड देन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर ना hmm. so दरवाजे से अगर गरीबी अंदर आई तो प्यार खिड़की तोड़ के भागेगा भागेगा क्योंकि फिर आपका प्यार फिर किसी बच्चे के प्यार में भी कन्वर्ट होता है माता पिता की जिम्मेदारी राइट वॉट इज द यूज ऑफ लविंग समबडी इफ यू कांट फील देर बेलीज एंड गिव देम गुड लाइफ हर एक इंसान को जब किसी से प्यार हो तो उनके लिए अपने आप को इतना ग्रो करना चाहिए कि उनको अच्छी लाइफ दे सकें सिर्फ घूमना फिरना प्यार नहीं होता ना प्यार कमिटमेंट है यू वॉन्ट टू मेक समबडी हैप्पी बिकॉज यू वॉन्ट डेम टू ग्रो आपने गुलाब तोड़ लिया तो वो आप सेल्फिश थे वो प्यार नहीं था मुरझा गया तो फिर नया गुलाब पकड़ लोगे आप चाहते हो कि ग्रो करो उसमें से और गुलाब खिलते रहे उसमें से दैट इज़ लव सो यू वॉन्ट टू नर्चर दैट पर्सन और नर्चर करने के लिए तो खाद लाने की हैसियत आपकी होनी चाहिए पानी प्रोवाइड करने के लिए आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए मतलब फिनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए आपकी तरफ से भी और 24 घंटे फ़ोन में बात करने वाले लोग आई डोंट नो एक पॉइंट टाइम के बाद जॉब करते करते कोई गर्लफ्रेंड बार बार फोन करिए तो वो बंदा या तो बहुत पैसे वाले इंसान का बेटा या बेटी है इसलिए उसके पास टाइम है या फिर दैट पर्सन इज नॉट यू नो वरी अबाउट जॉब कि कल को बॉस बोलेगा यार अपनी गर्लफ्रेंड से पच्चीस मिनट से तीस मिनट से बात करो कल जॉब में मत आना तो उसको चिंता ना हो वरना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को भी समझना चाहिए कि उनको भी hmm. अपना करियर बनाना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है और वो तब लव में आता है जब समझते हैं कि नहीं उनकी भी स्पेस हमें देनी पड़ेगी चौबीस घंटे कोई आपके साथ नहीं रह सकता तो उनकी एबसेंस में भी यू नीड टू अप्रीशिएट एंड रिस्पेक्ट द फैक्ट आर डूइंग समथिंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इक्वल टू मी दैट इज लवीव लव टाइम लव ग्रोज विद नॉट बट लव ट्रांसफॉर्म विद टाइम यू नीड टू कीप योर सेल्फ बिजी इन दैट यू नीड टू कीप समिंग इनोवेटिव इन दैट कॉन्स्टेंटली वो गर्ल बॉयफ्रेंड वाला अलाउ तो नहीं हो सकता ना रोज तो कैफे में मिलते थे अब शादी होगी अब तो रोज एक दूसरे की शकल देखनी है तो क्या एम एम ए करोगे मैरिज मार्शल आर्ट्स नो सो देन यू ट्राई टू बिल्ड समथिंग टुगेदर कि नहीं अब इतनी मेहनत करके टारगेट करते अपने लिए घर बनाते हैं यू वर्क टूवर्ड्स यू नो ग्रोइंग दैट बच्चे होंगे तो उनके लिए क्या कर सकते हैं उनको कैसे जिंदगी दे सकते हैं अच्छा तुम जॉब करते करते बिजनेस करना चाहते हो तो चलो इसके बारे में सोचते हैं यू ट्राई टू सेग्रीगेट दैट इन डिफरेंट रैकेट्स एनी थिंग विच इज कॉन्स्टेंटली सेम इज मोनोटोनस एंड मोनोटोनी बिकम्स बोरिंग यू नीड टू ब्रिंग सम रिफ्रेशमेंट इन दैट कुछ लोग कैलेंडर जैसे होते हैं संडे को बाहर खाना खाने जाना है तो जाना है बट अगर उनको वेडनसडे को बोल दो तो शेड्यूल के बाहर है यू डोंट नीड टू बी कंसिस्टेंट इन रिलेशनशिप इन लव एंड मैरिज लाइफ एंड ऑल तो थोड़ा थोड़ा तो एक टाइम के बाद आपको भी उसमें कुछ मेटामोफिजम लाना चाहिए कुछ ग्रो करना चाहिए कुछ बदलाव लाना चाहिए ये ज़रूरी है एवरी इनोवेट like यही तो एवोल्यूशन है वरना तो हम अभी भी अमीबा वगैरह ही बन के रहे होते <laughs>

ना सी अगेन इतना मैं कहूँगा कि ऑनलाइन डेटिंग में आप किसी को पार्शल जानते हैं ज्यादातर आप वही जानते हैं जो इंसान दिखा रहा है जो आपको बता रहा है यू डोंट नो दैट पर्सन तो उस इंसान को ज्यादा जानना जरूरी है सो अगेन जैसा मैंने कहा कि प्यार अच्छी चीज है लेकिन जब दरवाजे से गरीबी अंदर आएगी तो फिर प्यार खिड़की तोड़ के भागेगा तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं आपके थॉट प्रोसेस मिलते हैं तो उस इंसान के साथ आप ज्यादा टाइम बिताते हैं तो आप उसे कितना समझते हैं मैटर करता है फर्स्ट आप अट्रैक्ट हो सकते हैं आप किसी के थॉट प्रोसेस से अट्रैक्ट हो सकते हैं आप किसी के लुक से अट्रैक्ट हो सकते हैं बट जब आप उनके साथ बातचीत करें उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें उनके माहौल को उनके फ्रेंड सर्कल को समझें तब आपको रियलाइज होता है कि इनके साथ जमेगी कि नहीं जमेगी तभी आपके बचपन के दिनों के बेस्ट फ्रेंड शायद आज आपके बेस्ट फ्रेंड तक नहीं और आप उनके टच में भी नहीं होंगे hmm. आपके कॉलेज के दिनों के फ्रेंड्स आपके साथ टच में रहते थे लेकिन फिर आप जॉब करने लगे आपका एक नया सर्कल बन गया आप कॉलेज के दिनों के बेस्ट फ्रेंड्स हैं अच्छे एमियएबल रिलेशनशिप है लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं आज उनके साथ कुछ चीज़ें करने में पार्टी party करने में घूमने फिरने मज़ा नहीं आता वो evolve होता है हम जैसे जैसे इवॉल्व होते हैं हम अपनी preferences और अपनी choices को समझते हैं तो ऑनलाइन डेटिंग की सिंपल सी बात है कि उसमें तो ज़्यादा पेशेंस आप किसी को टैकल करें ज़्यादा समझें ज़्यादा वक्त बिताएं तब आपको रियलाइज़ होगा कि शायद ये इंसान हमारे लिए सही है या नहीं है इन बिटवी आई थिंक कम्युनिकेशन इज द मोस्ट कम्युनिकेशन इज मोट इम्पॉर्टेंट इंड डिस्कवरिंग इट सामने वाला इनिशिएट करें ना करें आप उनके पेरेंट्स से मिलिए उनके वर्क सर्कर को जानने की कोशिश करिए आप उनके एन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करिए क्योंकि जो आपको ज़्यादा दिखा रहा है हमेशा एक बात समझिए इट्स नॉट वॉट इज शोन टू यू बट वाई समथिंग इज़ शोन टू यू सो दैट यू डोंट पे अटेंशन टू समथिंग एल मैटर्स कभी कभी आपको क्या दिखाया जा रहा है वो इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए उन पर ध्यान ना दे पाए ऊपर फटाके फूट रहे हो और आप कूड़े के ऊपर खड़े हो आपको तो ऊपर के फटाके ही देख रहे हैं हाँ यार क्या अलग रोशनी आ रही है पर नीचे कोड़े पर खड़े और बांस मार रही है वो तो मैं पता नहीं चल रहा राइट right? <laughs> तेरे yeah, पैरों yeah, के नीचे yeah. जमीन नहीं है पर तो इस बात पर यकीन नहीं है वो नहीं होना चाहिए सो ट्राई यू नीड टू टेक इनिशिएशन इन नोइंग इफ नोइंगेटिंग ऑनलाइन डेटिंग ऑनलाइन डेटिंग में तो मैं खास कहूँगा यू नीड टू बी मोर केयरफुल जानने की कोशिश करें समझने की कोशिश करें आई कंप्लीटली एडवोकेट लव मैरिज मैं लव मैरिज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ मैं खुद लव मैरिज में मानता हूँ इसीलिए बैठा हूँ बट ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप बन जाए ठीक है अभी इमेश अरेंज मैरिज ज़्यादा एक्सेप्ट करती है लव मैरिज की uh, नहीं सोसाइटी भी है। बदलती है बट सोसाइटी अगेन इट्स डिफरेंट जिसको अरेंज मैरिज करनी हो अरेंज मैरिज करे जिसको लव मैरिज करनी हो वेट कर ले यू टू टू से अबाउट इट डिपेंड्स मी अरेंज मैरिज अ कॉम्प्रोमाइज तो मैं नहीं मानता अरेंज मैरिज करनी चाहिए कल को मेरे विचार बदल जाए तो मुझे पता नहीं है बट मैं उस रश में नहीं हूँ कि भाई दूसरे लोग शादी करें तो मुझे भी कर लेनी चाहिए बट आपको क्यों ऐसा लगता है लव मेरे लास्ट ज़्यादातर करते हैं लव मैरिज लास्ट ज्यादातर करते हैं देखो एक एक जमाना था अब इसमें एक चीज़ समझने की जरूरत है कि एक टाइम ऐसा था मेरे पेरेंट्स की बात करें या उनके पेरेंट्स की बात करें हालांकि ये भी बता दो कि मेरे नाना नानी की लव मैरिज थी मेरी नानी मेरे नाना से बड़ी थी उम्र में या या इट्स ट्रू सो दैट इज़ मेरा एडवोकेट लव मैरिज माई पॉइंट इज एक जमाना ऐसा था कि जहाँ औरतों की आइडेंटिटी सोशली उतनी ज़्यादा शायद नहीं होगी वो ज़्यादातर घर के पैर पैर के अंदर ही रहती थी घर में ही घर बच्चों को संभालना घर के कामकाज करना इतने इनोवेशन नहीं थे कि लाइफस्टाइल इजी बन जाए उनका दिन भी चला जाता था प्यार व्यार के ख्याल ज़्यादा नहीं आते थे कि उतना सोशल गैदरिंग या सोशल मीडिया या बहुत ज़्यादा बाहर का एक्सपोजर नहीं था तो तब कभी ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था कि औरत की आइडेंटिटी भी और मर्द की आइडेंटिटी भी और दोनों अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं आज टाइम अलग है आज एक लड़की एम कर रही है एम कर रही है इंजीनियरिंग कर रही है कुछ करना चाहती है उसने इतने साल पढ़ने में लगा दिया और इंडिया जैसी कंट्री के अंदर तो एक लड़की पढ़ रही हो तो लिटरली पढ़ना चाहती है इट्स नॉट ईजी फॉर अ गर्ल टू स्टडी ओके टू प्रिवेंट मैरिज एंड स्टडी तो अगर इंडिया के अंदर कोई लड़की पढ़ रही है आज वो भी कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में आ रही है और वो जब अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती है तभी तो वो एक करियर के गोल और एम्बिशन को लेकर आगे बढ़ रही थी ना तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है लव मैरिज़ ज़्यादा बेहतर रहते हैं ये मुझे लगता है कि लव मैरिज़ ज़्यादा बेहतर रहता है जैसे आपकी मर्ज़ी वैसे बट इसमें ये होता है कि पुराने ज़माने के अरेंज मैरिज की सिचुएशन अलग थी पुराने जमाने में ज़्यादातर औरतों का पब्लिक रोल लिमिटेड था धीरे धीरे इवॉल्व हुआ आज के टाइम में खुद लड़कियाँ पढ़ रही हैं उनको करियर बनाना है उनके एम्बिशन एस्परेशन होते हैं तो उनको लाइक माइंडेड सपोर्टिव पार्टनर की जरूरत होती है अरेंज मैरिज में आप दो तीन मुलाकात करते हो तीन चार महीने शायद एक दूसरे के साथ रहते हो पर हम पूरी ज़िंदगी बिता दे तो भी किसी को हंड्रेड परसेंट नहीं समझ पाते हर इंसान एक डायरी है और उस डायरी के कुछ पन्ने कुछ लोगों के लिए रिजर्व होते हैं और कुछ पन्ने तो ज़िंदगी भर कोई नहीं पढ़ता वो हमारे साथ दफन या फिर जला दिए जाते हैं हमारे पेरेंट्स तक ने वो पन्ने नहीं पढ़े होते तो हम हम कुछ चीज़ों के लिए इतने सीक्रेटिव होते हैं तो किसी इंसान को लाइफ पार्टनर बनाने से पहले उनको कितना समझेंगे अगेन द मोर एम्बिशियस सम्बडी इज द मोर सपोर्टिव पार्टनर इज नीडेड तो अरेंज मैरिज में ये हो सकता है कि शायद लड़के की इंडिया में लड़के सेंट्रिक हैं वैसे ऐसा नहीं है कि लड़कियों के सेंट्रिक की बात नहीं हो रही ज़्यादातर ये हो सकता है कि लड़के की एक्सपेक्टेशन उसके परिवार की एक्सपेक्टेशन इन्वायरमेंट अलग हो दे हैव अ राइट टू बट उस वजह से फिर कंपेटेबिलिटी ना रहे तो वो लॉन्ग लास्टिंग शायद रिलेशनशिप ना हो शायद कॉम्प्रोमाइज के तौर पर चल भी जाए बट कॉम्प्रोमाइज हमेशा अच्छा हो यह जरूरी नहीं है कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है फिर छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जिसकी असर बच्चों पर भी दिखती है ऑन द अदर हैंड जब आप जानते हो कि आप अपनी मर्जी से किसी को चुन रहे हो तो आपको उनकी खामिया और खूबियाँ पहले से पता है आप इतने वक्त से उनको जानते हो और और कुछ चीज़ों में बिकॉज यू लव सम यू आर एबल टू ट्रांजिट विद दैट यू नो गिव एंड टेक आप थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस वगैरह करने के लिए भी तैयार होते हो क्योंकि आप उस इंसान से प्यार ही इतना करते हो इफ यू लव योर जॉब यू डोंट फाइंड इट वर्क इफ यू लव सम यू डोंड सर्टन यू आंसेज ऑफ देयर इरिटेटिंग तो इस वजह से ये होता है कि लव मैरिजेस आज के ज़माने में तो कंपेयर टू प्रीवियस फ्यू डेकेट्स शायद एक ज़्यादा आइडियली लंबे लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं okay. पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अरेंज मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं होते बट सामने जो दो कपिल हैं उनकी मेंटल स्टेटस उनकी अपब्रिंगिंग उनकी मेंटल कंडीशनिंग और उनकी एम्बिशन क्या है उस पर डिपेंड करता लड़की लड़की है कुछ लड़के और लड़कियां बहुत ही ज़्यादा मेंटल कंडीशनिंग के साथ फैमिली रिस्पेक्ट वैल्यूज के साथ बड़े होते हैं तो उनको अपने पेरेंट्स जो चूज़ करेंगे वी आर रेडी फॉर दैट उनके अंदर वो रिस्पेक्ट कल्चर बचपन सा है कुछ बहुत ज़्यादा रिबेलियस नेचर के होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी विचार रखते हैं क्रांतिकारी का मतलब ये नहीं है कि बहुत अनकंट्रोल्ड है बट जो बहुत कंजर्वेटिव इन्वामेंट में ये रहते हैं बहुत ट्रेडिशनल नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा लिबरल होते हैं वेरी प्रिसाइसली सही कि बहुत लिबरल होते हैं तो वो सोचते कि नहीं मेरी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए लाइफ पार्टनर को चूज करने में तो उनको शायद अरेंज मैरिज सही ना लगे ऐसा नहीं कि उनके लिए जो लाइफ पार्टनर की चॉइसेस दी जा रही है वो गलत होगी बट उनको कहीं ना कहीं पता है कि शायद लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा क्योंकि टूनिंग नहीं बैठेगी तो सामने वाला जो है उसकी लाइफ तो कम से कम हमारे साथ अच्छी नहीं जाएगी दैट कैन बी वन थिंग एस जोकिंगली सेड अरेंज मैरिज में लोग आपको कुएं में फेंकते हैं लव मैरिज में आप अपनी मर्जी से कूदते

सो देर पीपल हैव अप्स एंड डाउंस डिप्रेशन किसी एक वजह से आ सकता है एक सिटेशन से आ सकता है ये कहना मुश्किल है और डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है पर जब आपको लगता है ये ना लाइफ को एंड कर देना है तो सबसे पहली चीज़ करो कि जब ये थॉट आ रहे हैं सबसे पहले घर के बाहर निकलो किसी पब्लिक प्लेस में चले जाओ आप जिस मोनोटोनस इन्वामेंट में रहते हो उसके बाहर निकलने की कोशिश करो मतलब आप जॉब में जा रहे हो तो जॉब में लोगों से बात करते हो तो किसी ऐसे इंसान से बात करो जिससे आप बात करते ही नहीं हो क्योंकि हमारे रेगुलर पैटर्न की वजह से भी एक मोनोटोनी की वजह से हमारा डिप्रेशन जो वो कहीं ना कहीं घर करके बैठा हुआ आप अपने आप को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करो जिसको आप रेजिस्ट कर रहे हो पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाना चाहते इससे आपका सोल्यूशन नहीं आएगा बट टाइम बिंग वेन यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट योर तो कहीं ना कहीं आप अकेले नहीं हो तो आपको वो इम्पल्स ज़्यादा नहीं होगा बिकॉज यू आर कॉन्शियस के लोग मुझे सुसाइड करने नहीं देंगे कोई सामने से सा आके छुरी आपको नहीं दे देने वाला कि अच्छा इससे दर्द होता है तो अभी साइनाइड लेकर आता हूँ ऐसा तो कोई होगा नहीं सो इट विल स्टॉप यू फ्राम डूंग सम हाम अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ सुसाइडल थाट बहुत भयानक चीज़ है पर फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत चमत्कारिक इंसान हूँ मैं अपनी लाइफ के ऐसे फेजेस में कई बार गया हूँ कि जिसमें एक दो बार मैंने सुसाइड अटैम्प्ट किए भी हैं एंड आई समहाउ सर्वाइवड बट अनाओ आई रियलाइज कि जिस वक्त में मुझे लग रहा था कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और अब तो कुछ बचा ही नहीं है वो उस वक्त को आज मैं देखता हूँ तो मैंने उसको सरपास कर लिया है right? राइट और मुझे ये रियलाइज़ होता है कि उस चीज़ को मैं सर्वाइव करके आज जिंदा हूँ तो उस वक्त अगर मैंने गिव अप कर दिया होता तो शायद मैं आज ये दिन नहीं देख रहा होता कि जिसके बाहर में निकल चुका हूँ आपकी डिप्रेसिंग प्रॉब्लम कितनी भी हो यू आर नॉट डेड टिल यूर अ लाइफ एज लॉन्ग एज यू आर ब्रीदिंग यू आर लिविंग तो जब आपको सैडनेस लगती है जब आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं और आपको सारी दुनिया ख़त्म करने देने जैसी लगती है आप दूसरों से बात करें इंटरेक्ट करने की कोशिश करें दूसरों के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करो और वो ज़्यादातर ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको जानते ही नहीं है क्योंकि आपको जानने वाले भी आपकी साइकोलॉजी माइंड को समझ चुके हैं वो भी शायद आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं आपको जो सजेशन दे रहे हैं वो बहुत लेमन हो सकता है पर कोई एक अनजान इंसान आपको एक थर्ड पर्सन के तौर पर देख रहा है तो देर सजेशन देर आइडियाज देर एडवाइस मे बी कंप्लीटली न्यूट्रल दैट्स वन थिंग और अकेला रहना उस वक्त सही नहीं होता बिकॉज जितना डिप्रेशन में लोग ज़्यादातर अकेला रहना प्रेफर करते हैं टू बी ऑनेस्ट बट अगर आप अकेला रहना चाहते हैं तो ये आपके लिए ख़राब होगा बस इतना याद रखें कि जिस वक्त जिस हालात में आपको लग रहा है कि दुनिया तबाह हो रही है उस हालात से आप बाहर निकल ही जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी में गौर फरमाएंगे तो आपको याद आएगा कि एक वक्त में कोई एक चीज़ आपको बहुत खतरनाक लग रही थी जैसे बोर्ड में फेल होना और शायद आप फेल हो भी गए थे और नकटों की तरफ फिर आपने फिर से बोर्ड एग्जामिनेशन दे दी और आगे बढ़ते गए ब्रेकअप हो जाना और लगा था कि आत्महत्या कर देनी नहीं अब किसी के बिना जिंदगी उजड़ गई है ऑफकोर्स वो घाव भरते नहीं हैं बट देन अगेन शायद आप उस फेज से भी बाहर निकल चुके हैं शायद आप इस फेज में अभी हैं आप इससे भी बाहर निकलेंगे हर एक वक्त में हम हमारी जिंदगी में जितने ज़्यादा प्रॉब्लम हमें बड़ी लगती है हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते उस प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़े होते जाते हैं सो नेवर गेप अप ऑन योर डिप्रेशन और यू नो सुसाइड अटेम्प्ट के थॉट आ रहे हों उसे काउंटर करने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करें डोंट गिव अप दर इज़ ऑलवेज रीज़न फॉर एवरी थिंग हमें नहीं समझ में आता है बट uh, हम जब इन चीज़ों को बैटल करते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि हमारा इंटरनल पोटेंशियल कितना था सो वॉट डजन किल यू विल ऑलवेज मेक यू ग्रो सिंपल वेरी गुड वॉट डू यू थिंक थिंग्स वाई वी आर सो अनहैप्पी विथ वॉट वी हैव डू यू थिंक ग्रेटिट्यूड फीलिंग एंड ऑल दैट इज रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ या वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर थिंग्स वी नीड टू अप्रिशिएट थिंग्स There are people probably older than me and earning less than me. There are people, you know, younger than me and earning more than me. The point is, my comparison and competition can never be with somebody else. My circumstances, my situation, my background, my struggle, my limitation is what makes me. So I can only improve myself. I can work hard on myself. I cannot do something for somebody else. कोई मुझसे आगे निकल चुका है तो शायद वो मुझसे ज़्यादा बुद्धिशाली है ज़्यादा टैलेंटेड है उसका इन्वायरमेंट अच्छा था फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी या नहीं थी मैं नहीं जानता या डेस्टिनी अलग भी तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में छोटा सा भी प्रोग्रेस करते हैं आप दस हज़ार कमा रहे थे और बारह हज़ार भी कमाने लगते तो ग्रोथ है हम आने वाले फ्यूचर को लेकर इतने ज़्यादा इनसेर होते हैं कि हम आज के टाइम को चेरिश ही नहीं कर पाते और ज़िंदगी में हमेशा हर नए टारगेट होते हैं आज सड़ा हुआ फोन यूज़ कर रहे हैं कल स्मार्टफोन यूज़ करना है अब स्मार्टफोन ले लिया तो एक स्टैंडर्ड फोन लेना है क्योंकि उससे इज्जत मिलती है आज साइकिल में जा रहे हैं कल बाइक चाहिए कल बाइक मिल गई तो कार चाहिए तो सेटिस्फैक्शन तो कभी नहीं मिलेगा पर क्या कभी मैंने उस बाइक को चेरिश किया ये मैटर करता है इफ़ यू डोंट चेरिश वॉट यू हैव सम डे यू विल रिग्रेट नॉट चेरिशिंग इट टुडे इज द डे यू आर एक्चुअली कंसर्न एंड वरिड अबाउट येस्टर डे वेन इट वॉज योर टुमारो आज वो दिन है जिसके बारे में तुम फिक्र कर रहे थे अपने गए हुए दिन पास्ट डे पिछले दिन जब तक कि वो तुम्हारा आने वाला कल था hmm. तो प्रॉब्लम ये है कि हम हर रोज आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं कब आज तो बंद कर दे वी डेवेंट नो जैसा मैंने कहा कि खबर नहीं एक पल की और बात कर रहे हैं कल की अभी ये हम बाहर निकलो और ट्रक मुझे कुचल के ले जाए तो मुझे क्या पता है मेरे आने वाले दस साल के प्लान धरे के धरे रह जाएंगे रिगरेट में ये करूँगा कि मैं इस मोमेंट में अगर जिंदा रह सकता था कुछ कर सकता था अच्छी चीज कर सकता था सोशल चेंज भी ला सकता था तो मैंने क्या किया फ्यूचर अपनी जगह फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहिए फ्यूचर के लिए बैकअप रखना चाहिए फ्यूचर के लिए कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बट इतना भी ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए और उसके ऊपर यू नो अग्रेसिव नहीं हो जाना चाहिए कि आप अपने प्रेजेंट को बिल्कुल चेरिश ना कर पाए क्योंकि जिंदगी में कुछ ना कुछ हमेशा छूटता रहेगा कई सारी चीज़ें हमारे प्लान के हिसाब से कभी नहीं होगी ज़्यादातर नहीं ही होगी और बाद में हम सोचेंगे कि ये सब चीज़ें की थी ये सब सोचा था इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया ये सेक्रीफाइस किया लेकिन सब बेकार वो नहीं होना चाहिए सो so, चेरिश वॉट यू हैव बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव यही बात है ना आज कोविड आया था काफ़ी सारे लोग अपने दोस्तों से फैमिली मेम्बर्स से बात भी नहीं करते थे अब रिग्रेट कर रहे हैं वो चले गए द पॉइंट इज कि जब आपके आसपास लोग हैं आपके फैमिली मेंबर्स हैं कुछ सिचुएशन है जॉब है नौकरी होना भी बड़ी बात है मैं कई लोगों को नौकरी के लिए कंप्लेन करते देखता हूँ यू डोंट लव योर जॉब या स्टूपड यू डोंट लव योर वर्क यज स्टूपट बिकॉज आपको इनकम मिल रही है आपकी फैमिली को सिक्योरिटी मिल रही है उससे और आप फिर भी ये सोच रहे हैं इमेजिन अ पर्सन उज़ लुकिंग फॉर अ जॉब वो आपकी जगह होता तो कितना ग्रेटफुल होता आपसे शायद कम सैलरी में ग्रेटफुल होता क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है कि हम हमसे ज्यादा सैलरी वाले के साथ अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं कम से तो हम कंपैरिजन करते ही नहीं है अगर हम अपनी जिंदगी में हमसे कम लेवल पे रहने वाले लोगों से कंपेयर करना शुरू करें फिजिकली डिसेबल लोगों से कंपेयर करना शुरू करें आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों से तो हम हमारी जिंदगी में काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होंगे

अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में काफ़ी अच्छे लोग भी मिले आई बिलीव पीपल गुड पीपल आर गॉड दल्फ एंड देर इज समथिंग इफ यूर गुड यूर ऑनेस्ट थिंग्स वर्क आउट फॉर यू सो आई बिलीव इन दैट आई बिलीव इन सम कॉज्मिक एंटिटी गॉड वट एवर यू से वर्ड है सी एवरी डे इज़ बस् डे ऑफ यर लाइफ और गुड डे ऑफ अर लाइफ वैन यू फील लाइक दैट डिपेंड करता है आप किस मूड में किस सिचुएशन में अच्छा दिन भी हो सकता है बुरा दिन भी हो सकता है बट अगर बुरा दिन जा रहा है तो यू ट्राई टू बी न्यूट्रल बी शोर दैट यू नोट इमोशनली डू समथिंग इमोशनली आप हावी ना हो जाइए बहुत जरूरी है राइटिव पीपल एंड यू शुड फॉगिव पीपल यू शुड नॉट फॉगेट द लेसन बट द पॉइंट इज नॉट फॉर गिविंग समबडी इज़ नॉट फॉर गिविंग योर सेल्फ और यू नो पनिशिंग योर सेल्फ हम दोनों का झगड़ा होता है लेट से मैं कुछ गालियाँ बोलता हूँ आप मुझे गालियाँ बोलते हैं मैं घर में आके बोलता हूँ अस इसने ये पॉइंट कहा था मुझे ये आंसर देना था ये पॉइंट कहा था मैं मतलब दो घंटे बाद भी मैं सारी चीज़ों को रिप्ले कर रहा हूँ ये सोच करके मुझे आपको क्या जवाब देना था आपने जो गालियाँ दी तो उसके बदले क्या आंसर देना था मतलब मैंने अपने दिमाग में आपको एक ऐसी जगह दे दी है रेंट फ्री जिसकी वजह से मैं अपने आप को कोस रहा हूँ मेरा खून जल रहा है मैं एकदम अग्रेसिव हो रहा हूँ और आप शायद घर में जाकर यू नो चद्दर ओढ़ के सो गए उठ के फिर मूवी देखने चले गए आपको पता ही नहीं कि ये इंसान मेरी वजह से फ्रस्टेट हो रहा है अगर मैं सही हूँ तो मुझे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है यू नो योर एनिमीज़ वुड नेवर लिसन टू यू योर फ्रेंड्स डोंट नीड इट एक्सप्लेनेशंस जस्टिफिकेशन बट ट्राइंग टू प्रूव माई सेल्फ राइट और ट्राइंग टू यू नो मेकअप आई शुड मेक अप पॉइंट देखो भाई तुम्हारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है तुम्हें तुम्हें एक बार कहने की मेरी जिम्मेदारी है पर तुम नहीं समझते नहीं मानते हो फेट इट एंड फगेव यू शायद तुम्हारी सर्कमस्टांसिस तुम्हारा बैकग्राउंड तुम्हारी अपब्रिंगिंग मेंटल कंडीशनिंग क्या है मैं नहीं जानता तुम किस वजह से उस वक्त ऐसा बिहेव कर रहे हो मैं नहीं जानता शायद तुम्हें इनलाइटन होगा होना होगा तो हो जाओगे या शायद मुझे इनलाइटन होगा कि मैं गलत था तो मैं हो जाऊँगा अब ये जज करना भी मुश्किल है कि कौन सही कौन गलत किस मौके पर किस वक्त पर फगे एंड फगेट

अनसक्सेसफुल हो जाओ निष्फल हो जाओ कोई बात नहीं है पर डर के मारे कि भाई फेल होंगे ही होंगे कोशिश ही ना करो ये गलत होगा यू नेवर नो शायद कोशिश करने से कुछ अच्छा हो जाए हम में से काफ़ी सारे लोग डरते हैं इन चीज़ों से थर्ड थिंग आई वुड से डोंट जज पीपल डोंट लेबल पीपल वही है हम जज किसी को कर ही कैसे सकते हैं अब जब उनके हालात जानते ही नहीं उनके सिचुएशन नहीं जानते और इसका सबसे बेस्ट तरीका ये कि अपने आप से मतलब रखो अपने आप को ग्रो करने में ध्यान दो फोकस करो हो सके उतना अच्छा बनो क्या फ़र्क पड़ता है कोई आपके अच्छे बनने का आपको सेम रिवॉर्ड दे ना दे आपको रिवॉर्ड बिल्कुल ना मिले आपको गालियाँ खाने मिले इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और को प्रूव करने के लिए अच्छे बन रहे हो अगर आप अच्छे बनने के लिए अच्छे बन रहे हो तो अब सही बात नहीं है यू शुड जेन्यूनली बी गुड टू पीपल एंड पुट योर बेस्ट एफर्ट्स पीपल मे जज यू हम तो भगवान को भी जज कर लेते हैं कभी कभार कि मेरी मर्जी के हिसाब से मार्क्स क्यों नहीं दे भगवान ये प्रमोशन में सैलरी कम इंक्रीमेंट हुई ये हमारे जजमेंट होते हैं तो सिंपल सी बात है इंसानों को भी जज कर ही लिए बाई डिफ़ॉल्ट नेचर है सो स्टॉप जजिंग पीपल डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग एंड या गिव योर बेस्ट इन एनी थिंग अपना बेस्ट दो फिर रिजल्ट जो भी आए उसकी चिंता मत करो क्योंकि कभी कभी रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आए ना आए वो मैटर नहीं करता है ये मैटर करता है कि आपने कितना बेस्ट दिया सुनर और लेटर इट गेट्स अप्रिशिएटेड गालिब ने अपने ज़माने में गरीबी में ही दिन निकाले थे विंसेंट वन वो गो तो सड़कों पे मर गए थे लेकिन आज उनकी पेंटिंग लाखों करोड़ों में बिकती है शायरी आए नाए गालिब के शेर के नाम पर चिपका देते हो आप कहीं पर भी तीसरी चीज़ ये मुझे लगता है आज के टाइम में जो भी मैसेज आता है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक में वेरीफाई कर लिया करो यार <laughs> बहुत जज्बाती मत बनो डोंट गेट इमोशनली कैरियड आउट वेरीफाई थिंग्स वॉट दैट इज़ वॉट अ मेच्योर पर्सन वुड डू एक शायरी हो जाए सर आप पोई तो एक पोईम के बिना तो कैसे कर मैं ओके okay, मेरी मनपसंद है तो बोलता एक इंग्लिश में बोलता हूँ फोर लाइनर स लविंग इज़ पेनफुल थ्रिल बट नॉट लविंग इज पेनफुल स्टिल यस लविंग इज़ पेनफुल थ्रिल एंड नॉट लविंग इज़ पेनफुल स्टिल बट शोरली इट इज़ द वर्स्ट ऑफ पेन टू लव एंड नॉट बी लव बैक अगेन एंड जो कभी कभी प्यार में किस्मत काम करती नहीं करती तो मैं बोलता हूँ ना चाहत के अंदाज़ अलग ना चाहत के जज्बात अलग ना होता है ना दो लोग मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट के लिए मार्क्स के लिए पर्सेंटेज के लिए प्यार के लिए मोहब्बत के लिए दोस्ती के लिए बट ना चाहत के अंदाज़ अलग ना चाहत के जज्बात अलग ये खेल तो है लकीरों का तेरे हाथ अलग मेरे हाथ अलग क्या बात है ओके ऑसम सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इट वॉज अ रियली ग्रेट पॉडकास्ट एंड आई एम रियली हैप्पी टू इन्वाइट यू आई हैव रियली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड या गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर योर सजेशन फीडबैक इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चनी थिंग यू कैन डी एम डायरेक्टली और यू कैन आई आई जस्ट सर के हैंडल ये सर के हैंडल जो भी हो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा आप कांटेक्ट कर सकते हो मिल सकते हो कुछ भी बट अपॉइंटमेंट लेकर डेफिनेटली सो या इफ़ यू आर न्यू मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच सर थैंक यू थैंक यू